गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है तो अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है ऋग्वैदिक टाइम तक अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद के समय की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ऋग्वेद हमें जो इंफॉर्मेशन वगैरह देता है वहां तक का डिस्कशन हम कर चुके हैं अब उसके आगे कहानी अब मेरा एक क्वेश्चन है यहां पर बताया भी हुआ आपको पहले ऋग्वेद में सबसे प्रोमिनेंट रिवर किसको माना गया है अभी तक जो हम ऋग्वेद के समय की बात कर रहे थे जो जो इन्फॉर्मेशन ऋग्वेद से हमें मिलती है तो हमने देखा कि सोसाइटी थी वुमेन की कंडीशन बेटर थी ये सब चर्चा हमने की तो ऋग्वेद से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सबसे प्रोमिनेंट रिवर यहां पर कौन सी है मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर बार बार ऋग्वेद में जिसका जिक्र आता है वो है सरस्वती ऑप्शन में देगा गंगा यमुना गंगा यमुना की हमने बात बातें अभी तक ज्यादा नहीं की यहां कहीं गंगा यमुना की ज्यादा हमने कोई चर्चा अभी तक नहीं की है तो मोस्ट रिवर ऋग्वेद में जिसका जिक्र आता है सरस्वती रहते प्रोम थे? थे तो सप्त सिंधव रीजन में तो सारी नदियों का जिक्र है पर सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है सरस्वती रिवर वैसे तो पूरे सप्त सिंधव रीजन की बात है जैसे ऋषि विश्वामित्र ने नदी शुक्त में दो नदियों से जो कन्वर्सेशन हुआ विपाशा और सतुद्री उनका भी जिक्र है पर सबसे ज्यादा बार चर्चा किस पर है सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना गया सरस्वती रिवर को सप्त सिंधव रीजन की जो रिवर है ऋग्वेद में उनकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि वहीं पर तो वो अर्ली आर्यन वहीं पर थे अर्ली आर्यन उसी एरिया में रहते थे सप्त सिंधव रीजन इस रिवर का जिक्र ज्यादा है अब मेरा अगला क्वेश्चन है क्या गंगा यमुना का कोई जिक्र ऋग्वेद में मिलता है क्या उस समय इस रिवर के बारे में कुछ जानकारी थी अगला क्वेश्चन है गंगा यमुना का ऋग्वेद में मेंशन है बट कम मेंशन है कम चर्चा है इस पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है तो गंगा यमुना रिवर लेस मेंशनड इन ऋग्वेद मेंशन है पर कम मेंशन है लेस मेंशन इन ऋग्वेद गंगा यमुना रिवर का मेंशन तो है कम मेंशन है कम चर्चा है ऋग्वेद में ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन गंगा यमुना दोनों के बारे में जानकारी है पर कम चर्चा है सरस्वती सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ऋग्वेद में अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं लेटर वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 हंड्रेड ये क्लियर आगे बढ़े अब आता है लेटर वैदिक एज लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 600 हंड्रेड बीसी ये टाइम है लेटर वैदिक एज 1000 से 600 बीसी वैदिक लिटरेचर में मैंने जो आपको वैदिक लिटरेचर बताई फोर वेद हैं ब्राह्मणाज हैं अरण्यका है, है, है उपनिषद हैं तो ये सब कोई ऋग्वेद के टाइम पे थोड़ी तैयार हुए हैं ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है जो अर्ली वैदिक एज की इंफॉर्मेशन हमें मिली ज्यादातर वहां हम ऋग्वेद की ही चर्चा करते रहे और ऋग्वेद के मंत्रों को रिसाइटेशन कैसे करना है उच्चारण कैसे करना है सामवेद तक की बात हो गई बाद के जो वेद है यजुर्वेद और अथर्ववेद वो पोस्ट ऋग्वैदिक एज का पार्ट है यजुर्वेद और अथर्ववेद ये बाद में आए हैं शुरू में ऋग्वेद और सामवेद बाद के दोनों वेद यजुर्वेद अथर्वेद बाद में है सब एक साथ नहीं तैयार हुआ तो ऋग्वैदिक आर्यन के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिली वो ऋग्वेद से मिली ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना था पर आगे जाकर और भी वेदों पे काम हुआ ऋग्वेद को कैसे गान, मंत्र को कैसे बोलना है सामवेद आया बाद में आए हैं यजुर्वेद अथर्वेद उसके बाद ब्राह्मण लिटरेचर आए जिनमें वेदों का और डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया फिर अरण्य का आए और 600 हंड्रेड बी के आसपास फिर उपनिषद आना शुरू हुए इसका मतलब जो हमने वैदिक लिटरेचर की बात की है वो सब एक ही समय में नहीं बना है मैंने आपको बता तो दिया कि वैदिक एज की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है मैंने आपको यह समझाया था कि वैदिक एज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? की तो हमें मिलती है जो खुदाई हुई उनसे इंडस वैली या ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की जानकारी तो हमें एक्सकेवेशन से मिली पर वैदिक एज के बारे में अर्ली और लेटर इनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें वैदिक लिटरेचर से मिली तो मैंने बताया था चार वेद अर्ली वैदिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिलती है अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो इंफॉर्मेशन में बार बार कोट कर रहा था कि देखो ऋग्वेद में ये दिया है बार बार मैंने यही कहा आपसे कि ऋग्वेद में देखो ये लिखा है मतलब ऋग्वेद सबसे पुराना है अर्ली आर्यस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिलती है ऋग्वेद के मंत्रों को कैसे बोलना है फिर आया था सामवेद शुरुआती दो वेद ये हैं ऋग्वेद सामवेद बाद में आए हैं पोस्ट ऋग्वेदिक जो एज है ऋग्वेद का जो टाइम है बाद के समय में आए हैं यजुर्वेद अथर्वेद सब एक साथ नहीं बना है यजुर्वेद अथर्वेद ये बाद के हैं फिर जब वेद आ गए तो वेदों के बाद फिर ब्राह्मणा ब्राह्मणास ब्राह्मण लिटरेचर इन्हीं का डिटेल एक्सप्लेनेशन फिर अरण्यक तैयार हुए और उपनिषद तो 600 हंड्रेड बीसी के आसपास शुरू हुए तैयार होना उपनिषद काफी बात का है तो ये भी आप ध्यान रखें जो मैं ये लिटरेचर वैदिक लिटरेचर आपको बोल रहा हूं ये सब एक बार में नहीं बनी है ये सब लिटरेचर एक बार में नहीं बना है तो पूरे वैदिक एज की इंफॉर्मेशन हमें अर्ली आर्यन के बारे में तो रिग्वेस्ट से पता लग जाता है बाकी इंफॉर्मेशन हमें इनसे भी पता लगती है उपनिषद जो है वो सिक्स हंड्रेड बीसी के आसपास शुरू हुए हैं और वन उपनिषद है तो सब एक साथ तो बने नहीं होंगे सिक्स हंड्रेड बी से उपनिषद की शुरुआत होती है और फिर इसके बाद बनते चले गए वन बाई वन बनते चले गए लंबे समय तक उपनिषद तैयार हुए हैं पॉइंट समझ आ गया तो अर्ली आर्यन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट वेद ऋग्वेद काफी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है यही ओल्डेस्ट है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद यहीं से अर्ली आर्यन की ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है बार बार में ऋग्वेदिक एज भी वहां वर्ड यूज कर रहा था क्योंकि ऋग्वेद वहां हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ऋग्वेद के हाइम्स को कैसे बोलना है सामवेद ये भी पुराना है ये दोनों बात के हैं यजुर्वेद ये, ये दोनों वेद बाद में बने हैं और फिर ये बाद में सब तैयार हुआ है ब्राह्मण उपनिषद ये सब बाद में तैयार हुए ठीक है शतपथ ब्राह्मण वगैरह भी बात कही है अरण्यक उपनिषद मैंने बताया 600 हंड्रेड के आसपास के हैं उपनिषद यहां पर तैयार होना शुरू हुए हैं तो लेटर वैदिक का जो टाइम है लेटर वैदिक में भी कंपाइलेशन हुआ है कई सारी चीजें इसमें से लेटर वैदिक के टाइम पे बनी हैं लेटर वैदिक के टाइम पे कई चीजें तैयार हुई हैं तो लेटर वैदिक की जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। में जो, जो चीजें तैयार हुई हैं काफी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाती है अब एक एक करके चर्चा करें पहले एक कहानी की तरह सुन लो उसके बाद हम चर्चा करेंगे सुनने पर ध्यान दीजिए बस अर्ली वैदिक एज में हमने ये देखा कि अर्ली वैदिक आर्यन वो सेमी नोमेडिक लाइफ जीते थे पाश्चुरल इकोनमी पर बेस्ड थे एग्रीकल्चर ज्यादा देखने को नहीं मिलता था एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी सिर्फ उतना ही उगाते थे जो उनका बस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा ट्रेड वगैरह देखने को नहीं मिलता मेनली वो कैटल पर डिपेंडेंट होते थे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ही उनका मेन फूड हुआ करता था और कैटल के लिए जहां पर ग्रीन लैंड मिल जाए ग्रीन एरिया मिल जाए जहां से उनके कैटल को फॉर्डर मिल जाए चारा मिल जाए उस तरह की भूमि उस तरह की लैंड वो सर्च किया करते थे तो अर्ली आर्यंस ऋग्वैदिक टाइम की बात करें अर्ली आर्यंस की बात करें वो सप्त सिंधव रीजन में थे और सेमी नोमेटिक लाइफ जीते थे इसका मतलब शिफ्टिंग होती रहती थी लेटर वैदिक तक आते आते वो लोग गंगा के किनारे तक आ गए थे अपर गंगा वाला जो एरिया है मैंने आपको 950 BC में एक वॉर बताई थी इंटर ट्राइबल वॉर 950 फिफ्टी बीसी में एक इंपॉर्टेंट वॉर का जिक्र किया था जिसका ऋग्वेद में भी डिस्क्रिप्शन मिलता है बैटल ऑफ टेन किंग्स बैटल ऑफ टेन किंग्स तो ऋग्वेद में भी फर्स्ट और टेन्थ चैप्टर बाद में जुड़ा है फर्स्ट और टेन चैप्टर ऋग्वेद का बाद में जुड़ा है मतलब ऋग्वेद भी जो है लंबे समय तक उस पर काम हुआ है तो ऋग्वेद में हमने एक जिक्र सुना बैटल ऑफ टेन किंग्स जहां पे भारत ट्राइब एक तरफ थी बाकी टेन ट्राइब एक तरफ थे उनके बीच वॉर हुआ था इंटर ट्राइबल वॉर थी और बाद में उन्होंने अलायंस बनाकर जिनको हराया भी था उनके भी साथ में मिला लिया था उनको तो भारत ट्राइब पुरु ट्राइब और पंचाल भारत और पुरु को मिला हमने कहा था कुरु तो महाभारत की जो कहानी है वो वही कहानी है वो कुरु वाली जो कहानी वो महाभारत वाली कहानी हम उसी को मानते हैं तो भारत और पुरु को मिला के कह दिया कुरु और इनके साथ जुड़ गए पंचाल पंचाल तो कुरु और पंचाल इन्होंने मिलकर अपर गंगा बेसिन पर अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया था यहां तक की बात हमने बताई थी अपर गंगा बेसिन पे इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया था इसका मतलब गंगा के आसपास तक ही आ गए तो भारत ट्राइब भारत ट्राइब मिल गई पुरु ट्राइब के साथ और पुरु ट्राइब साथ में पंचाल इन सबका एक अलायंस होकर अपर गंगा बेसिन पे इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया क्लियर है अपर गंगा बेसिन पे इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया था अपर गंगा बेसिन पे इनका रूल स्टैब्लिश हो गया था तो अब ये लोग गंगा के किनारे तक आए एक मिनट रुको ये कीड़ा आ गया पता नहीं कहां से एक मिनट से

अब दो pieces मैं तो, तो काट लेगा मैं काट लेगा सिद्धार्थ पूरा बोलते हैं चलो ठीक है इसको भी लग रहा है लेटर वैदिक एज पढ़ना है भागी नहीं रहा बाहर चलो ठीक है कोई बात नहीं पढ़ा तो लेटर वैदिक में ये लोग गंगा एरिया तक आ गए अब गंगा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जब ये लोग लेटर वैदिक में गंगा के क्षेत्र की तरफ आए तो एक तो इनको आयरन के बारे में पता चला आयरन के रिसोर्सेज मगध वगैरह का जो एरिया था आयरन के काफी रिजर्व है वहां पर एक तो इनको आयरन का पता चला दूसरा एलुवियल है यहाँ पर आयरन पता लग गया एलुवियल सॉइल है यहां पर और गंगा के आसपास का एरिया एक तरह से लैंड ऑफ नॉलेज भी है तो आयरन आयरन जब पता लग गया तो आयरन का क्या करेंगे आयरन के टूल्स वगैरह बनाएंगे जो प्लफ बनता था हल जो बनता था तो हल तो पहले वुडन बनते थे लकड़ी के होते थे वो उतने इफेक्टिव तो नहीं थे जब आयरन पता लग गया तो आयरन के जो प्लफ बनेंगे बड़े मजबूत होंगे अच्छी खेती में कंट्रीब्यूट करेंगे आयरन के कई सारे टूल्स बनने लगे लोगों को आयरन की नॉलेज थी उनको पता था आयरन को कैसे यूज करना है कैसे टूल्स बनाने हैं एलुवियल सॉइल थी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा कम एफर्ट में ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और नॉलेज की जगह तो ही क्लाइमेटिक कंडीशन भी गंगा के आसपास का बहुत अच्छा माना जाता है तो आयरन एलुवियल सॉइल और नॉलेज ये तीनों चीजें यहाँ पर बढ़ने लगी आयरन के रिजर्व काफी थे आयरन का इस्तेमाल करके टूल्स वगैरह बनने लगे एग्रीकल्चर में यूज करने लगे एलुवियल सॉइल फर्टाइल बहुत होती है गंगा के पास की लैंड और नॉलेज तो जो वो एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए तो उतने ही एफर्ट पे अगर ज्यादा प्रोडक्शन मिलने लगे तो हम क्यों फिर सेमी नोमेटिक लाइफ जिएंगे हम यहीं पर रह जाते हैं हम यहीं पर सेटल हो जाते हैं तो एग्रीकल्चर जो ये किया करते थे बहुत थोड़ी फार्मिंग किया करते थे सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उतने ही एफर्ट पर अगर अच्छा प्रोडक्शन मिलने लगेगा तो हम इस जगह को छोड़ के क्यों जाएंगे आयरन भी यहाँ पे है एलुवियल सॉइल भी है अब कंसेप्ट आ गया सेटलमेंट का इसी वजह से लेटर वैदिक एज में अब हम देखते हैं कि सेमी नोमेडिक लाइफ से सेटलमेंट की तरफ एक शिफ्ट होता है सेमी नोमेडिक से, सेमेडिक सेमी नोमेडिक सेटल लाइफ इस तरफ शिफ्टिंग देखने को मिलती है सुनने पे ध्यान दो बस सिर्फ एक्सप्लेन जो कर रहा हूं सुनने पे ध्यान दो तो गंगा के पास इनको गंगा एरिया में आयरन एलुवियल सॉइल नॉलेज ये चीजें मिल गई तो सेमी नोमेडिक लाइफ से सेटल लाइफ का कंसेप्ट आने लगा सेटलमेंट का कंसेप्ट आने लगा अब सेटलमेंट का कंसेप्ट आने लगा तो अब हम यहीं पर सेटल कर जाते हैं हम यहीं पर रह जाते हैं तो यहां पर सेटल कर जाते हैं तो ट्राइबल सिस्टम जो हुआ करता था <coughs> तो कोई एक ही ट्राइब सिंगल ट्राइब तो थी नहीं कई सारी ट्राइब थी तो अब हम यहां पर सेटल कर जाते हैं सेटल कर जाते हैं तो जो ट्राइब ट्राइब का चीफ है वो अपने मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स जिनको रत्नी कहते हैं जो राजन है वो अपनी जनपद को चलाएगा विद द हेल्प ऑफ रत्नी रत्नी उसके मिनिस्टर्स हैं केवल इन वर्ड को बस मैं लिख रहा हूं अभी प्रॉपर लिखा हुआ है सुनो बस ध्यान से तो राजन जो है वो अपनी जनपद को रूल करेगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स जिनको रत्नी कहा जाता था तो राजा अपनी जनपद को चलाएगा विद द हेल्प ऑफ रत्नी इससे पहले जो ट्राइबल थे वो कंटिन्यूसली शिफ्ट होते रहते थे पर अब जो राजा है अब यहाँ पे सेटल्ड लाइफ की बात आ गई अब यहाँ पर सेटलमेंट की बात आ गई है अब हम यहीं पर रहेंगे सेटलमेंट की बात आ गई है अब हम यहीं पर रहेंगे तो राजा अपनी जनपद को चलाएगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स रत्नी की मदद से और क्योंकि एग्रीकल्चर अब यहाँ बढ़ गया है तो पास्चरल इकोनॉमी से अब ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने लगे हैं और क्योंकि फर्टाइल लैंड इनको मिल गई ड्यू टू एलोवियल सॉइल अवेलेबिलिटी ड्यू टू एलोवियल सॉइल अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर बिकम सरप्लस एग्रीकल्चर बिकम सरप्लस इसका मतलब अर्ली आर्यन में जो हम पाश्योरल इकोनॉमी देख रहे थे वहां से शिफ्टिंग हो गई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में अर्ली आर्यन लेटर आर्यन में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है वहां पर जो पाश्योरल इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता था यहां पर हम एग्रीकल्चर देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सरप्लस हो गई अब जब एग्रीकल्चर सरप्लस हो गई राजा को जनपद को चलाना है विद द हेल्प ऑफ रत्नी मिनिस्टर्स राजा को लोग चाहिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी सरप्लस हो गई है आयरन वगैरह के टूल्स पता लग टूल्स वगैरह बनाने लगे हैं आयरन की जानकारी मिल गई गंगा के किनारे फर्टाइल सॉइल मिल गई तो टैक्स लगाना शुरू किया जाएगा टैक्स चार्ज करना शुरू किया जाएगा सबसे पहला टैक्स जो है उसका नाम है भाग सबसे पहला टैक्स जो लगाया गया उसका नाम है भाग कि जब एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया है तो उसका एक पोर्शन राजा को जाएगा और राजा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो लोग राजा को हेल्प कर रहे हैं राजा के जो अपने मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको पेमेंट वगैरह पेमेंट मतलब करेंसी नहीं उनको इस तरह की चीजें दी भी जाएंगी जो लोग सर्व कर रहे हैं उनको बदले में कुछ दिया जाएगा तो भाग जो है ये सबसे पहला टैक्स है सबसे पहला टैक्स का जो एविडेंस मिलता है उसका नाम है भाग फर्स्ट टैक्स पॉइंट समझ आया तो लेटर वैदिक में हमें देखने को मिलता है कि आर्यन मूव करते करते ट्राइबल जो थे अब वो आ गए हैं गंगा के किनारे गंगा के किनारे फर्टाइल सॉइल मिल गई आयरन मिल गया तो अब सेमी नोमेटिक लाइफ से शिफ्ट होकर सेटल लाइफ का कंसेप्ट आ गया राजा जो ट्राइब का ही कंसेप्ट है अभी तो राजा अपनी जनपद को रत्नी की हेल्प से चलाएगा और क्योंकि इकोनॉमी सरप्लस हो चुकी है एग्रीकल्चर सरप्लस होता है तो भाग नाम का फर्स्ट टैक्स जो है इंपोज किया गया ये कलेक्ट होगा राजा को जाएगा वहां से राजा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह होंगे उनको उनको दिया जाएगा तो कोई करेंसी तो नहीं पर एक तरह समझ लो एक तरीका है कि जो आपको सर्व कर रहे हैं उनको बदले में कुछ दिया जाए क्योंकि एक सेटलमेंट का कंसेप्ट है सेटल्ड हो चुका है सारा कुछ यहां पर यह पॉइंट समझ आया तो लेटर वैदिक में हमें इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं वैदिक में हमें इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं अब जो सेटलमेंट की बात आ गई सेटलमेंट की बात आ गई तो वर्ण व्यवस्था की जो बात है अब यहां पर रिचुअल्स को बड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया गया रिचुअल्स एंड सेरेमनीज रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इनको बड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया गया यहां पर जैसे कि मैंने बताया यजुर्वेद बाद में आया है रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इनको काफी इम्पोर्टेंस दे दिया गया है लेटर वैदिक में इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया यज्ञ वगैरह का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया यज्ञ वगैरह का इम्पोर्टेंस प्रीस्ट होगा जो ब्राह्मण होगा प्रिस्ट जो होगा वो यज्ञ कराएगा जिससे राजा को ब्लेसिंग्स वगैरह मिले राजा अपने आप को सुपीरियर शो कर पाए बदले में प्रीस्ट को गोल्ड क्लॉथ काओ हॉर्स इवन लैंड इस तरह की चीजें ब्राह्मण को ऑफर होंगी क्योंकि वो यज्ञ करा रहा है ये वैदिक नॉलेज उसको है तो वर्ण व्यवस्था का जो कंसेप्ट एक वो ऑक्यूपेशन तक मैंने बताया था अब धीरे धीरे ऊंच नीच की तरफ जाने लगा कि जिसको वैदिक कंटेंट है वैदिक ज्ञान है मंत्र उच्चारण करेगा यज्ञ कराएगा उसको सारे रिचुअल्स पता है वो ब्राह्मण सबसे ऊपर बैठा है जिसके लिए वो यज्ञ वगैरह करवा रहा है क्षत्रिय के लिए कि क्षत्रिय को भगवान से कनेक्ट करे भगवान की ब्लेसिंग्स उसको मिले वो सुपीरियर अपने आप को लगे उसके बाद व्यापारी वैश्य उसके बाद शुद्र क्लियर है इस तरह से हरर की बना दी ऊंच नीच कप्ट आ गया वर्ण व्यवस्था आ गई तो यज्ञ वगैरह कराए जाए यज्ञ वगैरह कराए जाएंगे तो ब्राह्मण को क्या है ज्यादा से ज्यादा उसको गिफ्ट मिलेंगे गिफ्ट में उसको काओ हॉर्स उसके अलावा क्लॉथ गोल्ड इस तरह की चीजें इवन लैंड भी उसको मिलेगी कहीं कहीं तो ये जिक्र आता है कि अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण कराते थे अश्वमेध यज्ञ कराते थे अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता था राजा की तरफ से और जो उस घोड़े को अगर पकड़ लेगा रास्ते में इसका मतलब वो आपको चैलेंज कर रहा है कि मैं आपको सुप्रीम मानने को तैयार नहीं हूं और जहां तक वो घोड़ा ओपनली जा रहा है और वहां फ्लैग लगा होता था जो उस राजा का सिंबल होता था कि हमारा हॉर्स है ये कि मैं मान लो अगर राजा हूं और मैं अश्वमेध यज्ञ करा रहा हूं तो एक हॉर्स को मैंने छोड़ दिया और जो मेरा सिंबल है फ्लैग वो लगा दिया उस पर और जहां तक वो घोड़ा जा रहा है कोई उसको रोक नहीं रहा इसका मतलब वो मेरी सुप्रीमेसी को मानने को तैयार है और अगर किसी ने उस हॉर्स को रोक लिया इसका मतलब वो मुझे चैलेंज कर रहा है फिर उससे वॉर होगी उसको हरा देंगे तो उसको भी अपने मिला लेंगे अश्वमेध यज्ञ के बाद राजा जो होता था वो इम्पायर बन जाता था किंग ऑफ किंग्स अश्वमेध यज्ञ राजा कराता था अपने आप को सम्राट बनाने के लिए किंग ऑफ किंग्स कि मेरे आसपास जो राजा हैं उन सब राजाओं का भी मैं राजा हूं मतलब एक लेवल और ऊपर हो गया मैं सम्राट हो गया कि ये राजा अपने अपने सिस्टम को चलाएंगे पर इनका सुप्रीम मैं रहूंगा इनमें भी इनसे भी ऊपर मैं हूं तो जो मेरी सुप्रीमेसी को मानेगा वो हॉर्स को रोकेगा नहीं और जो मुझे चैलेंज करेगा वो उस घोड़े को रोकेगा तो वॉर करके हम उसको हरा देंगे और अपने आप को किंग ऑफ किंग्स डिक्लेयर करेंगे अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता था तो कई तरह के यज्ञ होते थे आपने सुना होगा राजसूय यज्ञ जिसमें राजतिलक होता था राजा बनता था राजसूय यज्ञ एक होता था वाजपेय यज्ञ जिसमें रथों की दौड़ होती थी राजा उसमें विनर हो जाता था एक होता था अश्वमेध यज्ञ कई प्रकार के यज्ञ तो लेटर वैदिक में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा यज्ञ वगैरह का बहुत ज्यादा होते थे रिचुअल्स बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि ब्राह्मणों को इसमें बेनिफिट मिलते थे तो ऐसे भी कहानी देखने को मिलती है कि ब्राह्मण ने यज्ञ कराया और कहा कि अश्वमेध का जो घोड़ा है अभी अश्वमेध का यज्ञ जो है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो चारों तरफ की भूमि जो है वो प्रीस्ट को जाएगी चारों तरफ की भूमि प्रीस्ट को चली जाएगी मतलब राजा से भी ऊपर कौन है ब्राह्मण राजा से भी ऊपर ब्राह्मण तो फिर राजा के पास क्या बचता? तो धीरे 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 ये बात समझ में आने लगी कि इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण हरकी में सबसे ऊपर बैठा है और वेदों का डर दिखा के या भगवान का डर दिखा के वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है और सारी पावर वो बैठे बैठे एंजॉय कर रहा है भूमि भी उसको मिल रही है वेल्थ भी उसको मिल रही है गाय उसको मिल रहे हैं घोड़े मिल रहे हैं बैठे बैठा उसको बेनिफिट मिल रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के ऊपर है मतलब ब्राह्मण का कंसेप्ट तो ऐसा हो गया कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पावर ब्राह्मण के पास और जिम्मेदारी कुछ नहीं जो ब्राह्मण को काम कराना है राजा को बोलेगा राजा भी आके ब्राह्मण के पैर छुएगा क्योंकि ब्राह्मण एक कनेक्शन के तौर पे बना हुआ है राजा और गॉड के बीच में तो ब्राह्मण का स्टेटस बहुत ऊपर चला गया उस समय ठीक एक भगवान का डर भी पर यह चीज बढ़ने लगी ये चीज और बढ़ने लगी ये वर्ण व्यवस्था में जो ऊंच नीच आने लगी ये काफी बढ़ने लगा जैसे जनेऊ वगैरह का कंसेप्ट होता है ये गोपवीत वगैरह जो होता है जनेऊ वगैरह का जो उपनयन संस्कार वगैरह जो होते हैं अब ऐसे कंसेप्ट ले आए धीरे धीरे कि शुद्धों को इससे अलग रखा जाए शूद्र जो है और वुमेन जो है ऋग्वेद में आपने देखा कि वुमेन की कंडीशन अच्छी थी पर लेटर वैदिक तक आते आते ये डिवीजन सोसाइटी में शुरू हो गए लेटर वैदिक में जाकर डिवीजन देखने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था में भी डिवीजन कर दिए जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थे उसकी बजाय बाई बर्थ डिवीजन कंसेप्ट ले आए वुमेन की कंडीशन अब उतनी अच्छी नहीं रही वुमेन में भी जो रॉयल फैमिली से थी उनकी कंडीशन तो फिर भी ठीक थी पर जो नॉर्मल थी, उनकी कंडीशन धीरे, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी जैसे द्विज वाला धागा जो पहनाया जाएगा जनेऊ का उसका मतलब ट्वाइस बोर्न होता है द्विज एक शब्द आता है बुद्धिज्म में बता रखा है वैसे मैंने बुद्धिज्म में बहुत डिटेल में बताया हुआ है तो एक शब्द आता है द्विज द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बोर्न ट्वाइस बोर्न तो ये जो ये द्विज वाला जो कंसेप्ट है ब्राह्मण जो होगा वो द्विज ये जने धारण कर सकता है क्षत्रिय कर सकता है इवन वैश्य भी कर सकता है ये जनेव धारण कर सकते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वुमेन नहीं कर सकती और शुद्र नहीं कर सकते शूद्रों के लिए तो यह बोला जाता था कि अगर कोई शुद्र कहीं पर वैदिक मंत्र हो रहे हैं और अगर वो शुद्र उन मंत्रों को सुन ले रहा है तो उसके कान में शीशा पिघलवाइटेशन कर रहे हैं मतलब स्थिति गड़बड़ होने लगी तो ऋग्वेद में आपने ऐसा नहीं देखा है पर लेटर वैदिक तक आते आते ये सारी जो इल प्रैक्टिस सोसाइटी में देखने को मिल रही है और मीट कंजम्पशन मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले एनसीआरटी को कहा गया कि जो आपने लिखा है कि आर्यन एज में मीट वगैरह खाने के एविडेंस मिलते हैं तो एक कमेटी बनाई गई और उनको यह कहा गया था कि टी में से वो चीज हटा दीजिए उन्होंने मना कर दिया नहीं कि जो प्रूफ मिले हैं उनको डिनाई कैसे कर देंगे कि आर्यन एज आर्यन एज वगैरह के टाइम पे मीट वगैरह के एविडेंस मिलते हैं तो इंडस वैली में भी तो मिले हैं आर्यन के टाइम पे भी मिले हैं कि इतनी ज्यादा जो तो जानवरों की बलि वगैरह हुआ करती थी उसका करते क्या होंगे ऑब्वियस सी बात है मीट वगैरह कंजम्पशन होता रहा होगा तो हिस्ट्री को ही बदलने के लिए कई बार प्रयास हुए पर एनसीआर कमेटी ने मना कर दिया नहीं नहीं हम उसको चेंज नहीं कर सकते वो तो फैक्ट बेस्ड है जो जो शोध हुए हैं कल को कुछ और मिलेगा तो हम उसको चेंज करेंगे हम तो जो चीज कह रहे हैं वो एविडेंस के बेसिस पर कह रहे हैं तो मीट कंजम्पशन होता था वो तो हम एविडेंस के बेसिस पे हम कंक्लूजन निकाले हैं बुक्स में हमने लिखा है कोई भी चीज जो लिखी गई है ऐसे नहीं लिखी गई है शोध पर लिखी गई है तो इमोशन को अलग रखा जाए और जो एविडेंस के बेस पे बात हो रही है अलग रखी जाए ठीक तो शुद्रो की स्थिति जो है ये खराब होने लगी वुमेन में भी रॉयल वुमेन को तो थोड़े बहुत राइट थे नॉर्मल वुमेन को डिग्रेड करने लगे इस तरह की प्रैक्टिस हमें लेटर वैदिक में देखने को मिलती है क्योंकि सेटलमेंट का कंसेप्ट आ गया हर किसी को अपने को सुप्रीम दिखाना है ऊंच नीच करनी है राज करने का कंसेप्ट आने लगा इसलिए इस तरह की प्रैक्टिसेस यहां पर देखने को मिलती हैं कि लोग अब एक ही जगह सेटल हो रहे हैं सेटलमेंट जब हो रहा है तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सेमीनोमेटिक लाइफ में कोई एक जगह सेटलमेंट तो था नहीं सब अलग अलग चल रहे थे गोत्र कंसेप्ट को ज्यादा देने लगे गोत्र यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि सेम गोत्र में मैरिज नहीं होनी चाहिए साइंस का अगर उसके पीछे का साइंस देखें तो जो उनसे बच्चे पैदा होंगे उनमें ब्लड में प्रॉब्लम आ जाएगी जींस में प्रॉब्लम आ जाएगी उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उसमें जीन्स में प्रॉब्लम आ जाएगी सेम गोत्र मैरिज अगर होगी तो गोत्र सिस्टम का इंपॉर्टेंस यहां पर बढ़ गया गोत्र सिस्टम का इंपॉर्टेंस बढ़ गया आश्रम सिस्टम का जिक्र यहीं पर है उपनिषद में जबाला उपनिषद आश्रम सिस्टम मैंने कल बताया था जबाला उपनिषद उपनिषद तो बाद में बने हैं तो लाइफ के फोर स्टेजेस क्या होने चाहिए आश्रम सिस्टम में मैं तो ये सब चीजें लेटर वैदिक की है आश्रम सिस्टम तो आए लेटर वैदिक में है और गोत्र का इंपोर्टेंस गोत्र कंसेप्ट जो है वो लेटर वैदिक में ज्यादा डेवलप हुआ है लेटर वैदिक में ही ये कंसेप्ट ज्यादा डेवलप हुआ है गोत्र कंसेप्ट मेनली अपियर्ड मेनली अपियर्ड इन गोत्र कंसेप्ट मेनली अपियर्ड इन लेटर वैदिक एज फिर मैंने आपको बताया आश्रम सिस्टम जो है यह भी लेटर वैदिक का है लाइफ की फोर स्टेजेस कल बताया था जवाला उपनिषद से लिया गया है इसके अलावा मेन मेन गॉड गॉड पर लेटर वैदिक तक आते आते इंद्र अग्नि अब ये सब मेन गॉड नहीं रहे अब मेन गॉड हो गए यहां पे प्रजापति प्रजापति ब्रह्मा आश्रम सिस्टम का भी जिक्र यहीं पर है फिर मेन गॉड यहां पर हो गए प्रजापति लेटर वैदिक तक आते आते मेन गॉड हो गए प्रजापति प्रजापति के बाद रुद्र एंड विष्णु मेन गॉड प्रजापति रुद्र एंड विष्णु ये मेन गॉड हो गए हैं लेटर वैदिक में प्रजापति रुद्र विष्णु ये मेन गॉड है लेटर वैदिक में मूर्ति पूजा के एविडेंस मिलने लगते हैं साइंस ऑफ आइडोलिट्री मूर्ति पूजा के भी एविडेंस यहां से मिलने लगते हैं साइंस ऑफ आइडल आइडल मतलब मूर्ति पूजा मूर्ति आइडल मतलब मूर्ति साइंस ऑफ आइडलेट्री अपियर्ड मूर्तियां वगैरह यहां से पता लगने लगती हैं साइंस ऑफ आइडलेट्री अपियर्ड तो शुद्र लोगों की स्थिति सही नहीं थी शुद्र लोग वैदिक ज्ञान नहीं ले सकते थे जनेव नहीं होता था उनका वैदिक ज्ञान प्रोहिबिटेड था उसके लिए जनेव नहीं होता था बल्कि इन लोगों को तो अपना गॉड भी अलग से मानना पड़ा था अपना भगवान भी अलग से मानना पड़ा तो शुद्र लोगों के गॉड होते थे पुषान उनका नाम था पुषान ये देखने में आया कि शुद्रों के तो भगवान भी अलग थे कि नॉर्मल पूजा पाठ नॉर्मल जो वैदिक रिचुअल्स वगैरह होते थे शूद्रों को उससे अलग रखा जाता था तो पुषाण नाम के गॉड का जिक्र मिलता है पुषान का जिक्र मिलता है गॉड ऑफ द शूद्राज गॉड ऑफ द शूद्र इनसे स्लेव की तरह काम लिया जाने लगा स्लेव की तरह काम लिया जाने लगा मतलब ये रिचुअल्स वगैरह जो बने हैं देखो हुआ एक्चुअल में ये ये रिचुअल्स वगैरह ये नियम कायदे ब्राह्मण लोग ही इन्वेंट किया करते थे ऐसा नहीं है कि इस समय सारी चीजें भगवान बोल रहे हैं अब ब्राह्मण क्योंकि सुप्रीमेसी में बैठा था ऊपर बैठा था वही आए दिन रिचुअल्स और इस तरह के कंसेप्ट निकाला करते थे कि जिससे उनकी जो पोजिशन है वो और स्ट्रांग होती चली जाए और डिविजन सोसाइटी में होता चला गया ब्राह्मण यहां पर ये कंसेप्ट इन्वेंशन सेक्रीफाइस कौन से होने हैं कौन से नए कंसेप्ट आने हैं ये सारी चीजें ब्राह्मण इन्वेंट करने लगे अपनी पोजीशन को और मजबूत रखने के लिए अब एक बात बताओ एनिमल ब्राह्मण को गिफ्ट दे दिया जाए या एनिमल की बलि दी जाए ब्राह्मण यज्ञ कराए और बहुत सारा गिफ्ट उसको दिया जाए वेल्थ उसको दी जाए तो वैश्य लोग जो थे वो ये कहते थे कि एनिमल किलिंग वगैरह का जो कंसेप्ट है इससे हमारे व्यापार को नुकसान होता है वैश्य कहते थे भाई हम व्यापारी लोग हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एसेट है उसको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं तो एक तो इनके सिस्टम से हमें हो रहा है लॉस ये सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है हमें इससे लॉस हो रहा है और शूद्र कह रहे हैं कि हमें सोसाइटी में कोई पोजिशन ही नहीं है हमें स्लेव की तरह यूज किया जा रहा है वैदिक ज्ञान से दूर रखा हुआ है हमें तो ऐसा कर रखा है कि मतलब जन्म से ही हमें ऐसा कर दिया जिसमें हमारा कोई दोष नहीं तो ये सर्च कर रहे थे कि और कोई ऑप्शन मिल जाए तो हम उसमें चले जाएं इसीलिए 600 हंड्रेड बी के बाद नए नए रिलीजियन आए और क्षत्रिय क्या कह रहा है क्षत्रिय कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी और ब्राह्मण को वेल्थ हमें देनी पड़ रही है गिफ्ट देने पड़ रहे हैं तो क्षत्रिय लोगों ने विरोध कर दिया क्षत्रिय लोगों ने इस ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी का विरोध किया है सबसे पहले विरोध कहां से आता है तो विरोध एकदम से तो हुआ नहीं होगा मैं आपको बताऊं एक कहानी से तो पंचाल वाला जो एरिया है और वैदेह है सीता जी के लिए आप सुनते हो ना वैदेही उनको बोला जाता है तो वैदे है, ये नॉर्दर्न बिहार की तरफ का एरिया नॉर्दर्न बिहार की तरफ का एरिया वैदे वहां पर एक जगह हुआ करती थी तो सीता जी को वैदेही बोलते भी हैं तो वैदेह है और पांचाल ये वो एरिया है वैदेह और पांचाल वो एरिया है सिक्स हंड्रेड के आसपास जहां से उपनिषद की शुरुआत हुई है लॉजिक है हर चीज के पीछे रटना नहीं है सिक्स हंड्रेड के आसपास पांचाल और वैदे वो एरिया है जहां से उपनिषद की शुरुआत देखने को मिलती है उपनिषद क्या कहता है उपनिषद कहता है फिलोसफिकल ओरिएंटेशन ऑफ रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी की बात करता है और जब स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाएगी तो रिचुअल सेक्रीफाइस क्रियाकलाप इनका महत्व नहीं है स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हर चीज के लॉजिक को समझना है पर्पस क्या है कि ब्राह्मण सेक्रीफाइस करवा रहे हैं बलि दिलवा रहे हैं क्यों दिलवा रहे हैं लॉजिक क्या है तो हंड्रेड बीसी के आसपास पांचाल और वैदे वो जगह है उपनिषद की जहां से शुरुआत होती है फिलोसफी की जहां शुरुआत होती है स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है उन लोगों ने विरोध कर दिया ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था उसका विरोध कर दिया उन लोगों ने क्योंकि उपनिषद का कंसेप्ट ही ये है ब्रह्मात्मा और उनका फोकस किस पर था आत्मन और उसका ब्रह्म के साथ क्या रिलेशन है अराउंड 600 हंड्रेड बी सी उपनिषद कंपाइलेशन वर स्टार्टेड फ्रॉम पंचाल एंड विदेह And due to this spiritual and philosophical orientation, philosophical orientation, they opposed Brahman's domination. एंड देयर रिचुअल्स एंड देयर रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस तो अराउंड सिक्स हंड्रेड बी सी उपनिषद की शुरुआत हमें पंचाल और विधेय वगैरह एरिया से देखने को मिलती है बिहार का एरिया भी मान लो स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल ओरिएंटेशन है उपनिषद का इसीलिए इन लोगों ने ब्राह्मण डोमिनेशन जो था उनके रिचुअल और सेक्रीफाइस वगैरह जो कंसेप्ट थे उनका विरोध शुरू कर दिया इनका विरोध शुरू कर दिया और इनका इम्फेसिस इन्होंने इम्फेसिस किस बात पे दिया आत्मन और उसका ब्रह्म से रिलेशन ये अल्टीमेट चीज है इस पर फोकस करना है कि सोल सोल और ब्रह्म का आपस में क्या रिलेशन है उस उसको हमें सर्च करना है इन क्रियाकलापों से कुछ होने वाला नहीं है ये इन लोगों को समझ आ गई थी और विरोध हमेशा जो मजबूत व्यक्ति होगा वही विरोध करेगा जो एक्सप्लॉयटेड क्लास है वो विरोध कैसे कर पाएगा तो इसीलिए ब्राह्मण के जस्ट बाद थे में छत्रियों ने विरोध किया ब्राह्मण के ठीक नीचे क्षत्रिय थे तो छत्रियों ने ही विरोध किया है नए नए रिलीजन भी जो बने हैं वो सब राजाओं के तो बेटे थे शुद्र इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो विरोध कर पाते वो तो बिल्कुल नीचे थे हरकी हर में शुद्र अगर विरोध करते क्या पता छत्रिय अगेंस्ट हो जाते तो ब्राह्मण के ठीक नीचे क्षत्रिय वो ठीक पोजिशन पे थे तो इन्होंने ही विरोध किया मेनली राजाओं के बेटों ने ही नए नए धर्म बनाए बेसिकली ठीक है तो लेटर वैदिक में किस तरह से बदलाव हुए हैं हैं हम समझ पा रहे हैं कि नहीं क्लियर हो पा रहा है कुछ तो 600 हंड्रेड बीसी के आसपास उपनिषद कंपाइलेशन पंचाल और विदेह इन सब एरिया शुरुआत होती है स्पिरिचुअल एंगल देखा गया इन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया ब्राह्मणिकल डोमिनेशन का एंड दे गेव इंफेसिस ऑन आत्मन आत्मन इन लोगों ने इंफेसिस किस पे देना शुरू किया जब यहां से बात हो गई यहां से शुरुआत हुई पंचाल और विदेह वगैरह दे गेव इंफेसिस एंड दे गेव मोर इंफेसिस ऑन आत्मन आत्मन वर्ड सोल के लिए यूज किया गया है एंड दे रिलेशन विद गॉड ब्रह्म एंड दे रिलेशन विद ब्रह्म रिलेशन विद ब्रह्म ये नोट कर लीजिए पॉइंट ये पॉइंट नोट कर लो आप तो चेंज यहां से आना शुरू हो गया आत्मन और ब्रह्म के साथ क्या रिलेशन होगा आत्मन और ब्रह्म के साथ क्या रिलेशन होगा इस पर फोकस करना है ना कि जो क्रियाकलाप है रिचुअल्स है उनमें उलझना है ये नोट कर लो फिर आगे बढ़े ओके कंप्लीट तो क्या क्या ऐड करना है जो चीज अभी तक मैंने पढ़ाई एक बार देख लें क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है लेटर वैदिक में अभी तक मैंने समझाया कि या इस टाइम तक आर्यंस गंगा यमुना रीजन तक पहुंच चुके थे गंगा यमुना का ऋग्वेद में जिक्र है पर उसके बारे में कम चर्चा मिलती है ऑन द बैंक ऑफ गंगा दे फाउंड एलुवियल सॉइल आयरन नॉलेज एग्रीकल्चर एडवांस हो गया इकोनॉमी सरप्लस हो गई एग्रीकल्चर एडवांस हो गया इकोनॉमी सरप्लस हो गई तो इन्होंने सेटल्ड लाइफ का कंसेप्ट अडॉप्ट कर लिया सेटल लाइफ का कंसेप्ट अडॉप्ट कर लिया एग्रीकल्चर बढ़ने लगा राइस कल्टीवेशन वगैरह भी काफी होने लगा यहाँ पर काफी एविडेंस आ जाते हैं राइस के भी तो एग्रीकल्चर बढ़ने लगा और राइस कल्टीवेशन वगैरह के भी एविडेंस काफी देखने को मिलते हैं तो जब सेटलमेंट की बात आ गई तो धीरे धीरे मोनार्कियल सिस्टम राजशाही राज करना जहां राजा रूल करेगा उस तरह का कंसेप्ट आने लगा मोनार्कियल सिस्टम आने लगा यहाँ पर तो जब सेटल लाइफ की बात आ गई तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ल सिस्टम डेवलप होने लगा जहां पर एक राजा होगा जो अपने रत्नी रत्नी मतलब उसके मिनिस्टर उनकी हेल्प से रूल करेगा अपने जनपद को और जनपद कंसेप्ट आ गया तो किंगडम कंसेप्ट शुरू हो गया यहां से राजा होगा राज्य होगा ये कंसेप्ट धीरे धीरे ऐसे डेवलप होना शुरू हुआ तो लेटर वैदिक में हमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है मोनार्कियल सिस्टम का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है मोनार्कियल सिस्टम का जहां पे एक राजा होगा अपने रत्नी की मदद से मिनिस्टर्स की मदद से जनपद को रूल करेगा तो किंगडम का कंसेप्ट आ गया यहाँ पर किंगडम का कंसेप्ट आ गया और जब किंगडम होगा तो आर्मी भी चाहिए होगी प्रोटेक्शन के लिए और जब किंगडम का कंसेप्ट आ गया तो प्रोटेक्शन के लिए आर्मी भी चाहिए होगी क्योंकि ट्राइब एक दूसरे पे अटैक करेंगे अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहेंगे अपने एरिया को इंक्रीज करना चाहेंगे और मिनिस्टर्स और आर्मी को उनकी सर्विस के बदले कुछ देना होगा तो टैक्स सिस्टम भाग की शुरुआत हुई सबसे पहला टैक्स भाग इसकी शुरुआत हुई तो मिनिस्टर्स और आर्मी जो सर्व कर रहे हैं सर्विस दे रहे हैं हमें उनको कुछ पे करना होगा बदले में तो टैक्स शुरू हो गया भाग तो टू तो तो पे द मिनिस्टर एंड आर्मी टू तो रन द स्टेट ये जो सर्विस दे रहे हैं उसके बदले इन्हें कुछ देना होगा तो कंसेप्ट आ गया भाग और ये टैक्स कौन देगा पब्लिक देगी एग्रीकल्चर वगैरह जो कर रहे हैं सरप्लस एग्रीकल्चर हो रहा है इकोनॉमी बढ़ रही है तो वही लोग पे करेंगे क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए आर्मी चाहिए उन्हीं उन्हीं के के राज्य को चलाने के लिए मिनिस्टर चाहिए तो पब्लिक ही पे करेगी इस समय रिचुअल्स और सेक्रीफाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए रिचुअल्स और सेक्रीफाइस का इंपॉर्टेंस यहां पर बढ़ गया तीन तरह के सेक्रीफाइस तीन तरह के यज्ञ देखने को मिलते हैं एनिमल मतलब की बलि और यहाँ पर जो हम सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं उसका मतलब यज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कराएगा और यज्ञ के बदले ब्राह्मण को कई सारे गिफ्ट मिलेंगे एक यज्ञ होता था राजसूय तीन इंपॉर्टेंट टाइप के यज्ञ होते थे एक होता था राजसूय यज्ञ कि जिसका राजतिलक होना है जिसका राज्यभिषेक होना है उसके लिए यज्ञ कराया जाएगा और बताया जाता था इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है देवताओं की ब्लेसिंग्स मिल रही है उस पर्सन को जो किंग बन रहा है राजसूय यज्ञ का मतलब होता था ये राजा बनने जा रहे हैं अब ये राज्यभिषेक इनका होगा और देवी देवता इनको अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम इस गद्दी पे बैठो हमारा आशीर्वाद तुमको है ताकि पब्लिक को लगे कि ये बिल्कुल सही व्यक्ति ये भगवान के आशीर्वाद से गद्दी पर बैठ रहा है इसको बेस्ट ब्लेसिंग्स मिली हुई है इस यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे इस व्यक्ति को ब्लेसिंग्स देंगे और ये हमारा राजा अच्छी तरह सिस्टम को चलाएगा हमें प्रोटेक्ट करेगा तो राजस्व एक का मतलब क्या होता था डिवाइन ब्लेसिंग्स डिवाइन ब्लेसिंग्स के जो पर्सन राजा बनेगा उसका राज्य अभिषेक होगा गॉड से उसको बेस्ट ब्लेसिंग्स मिलें कि अपने सिस्टम को चलाए और यज्ञ के बदले में ब्राह्मण को गिफ्ट वगैरह कई सारे दिए जाएंगे जिसमें हॉर्स काओ गोल्ड क्लॉथ इवन लैंड भी दी जाती थी किंग परफॉर्म दिस सेक्रीफाइस हेल्प ऑफ हिज गुरु टू शो हिज पीपुल अबाउटिंग ब्राह्मण होते थे अपने लोगों को यह बताने के लिए कि मैं राजा बना हूं और मुझे भगवान का आशीर्वाद है कि मैं सही तरीके सिस्टम को चला पाऊ इस यज्ञ के द्वारा भगवान की ब्लैसिंग्स मुझे मिल रही है तो राजसुय यज्ञ तो राजा क्यों करता था अपने गुरु की मदद से ब्राह्मण की मदद से यज्ञ को करता था जिससे अपने लोगों को यह बता सके कि मैं आपका राजा बना हूं मैं इस गद्दी पे बैठा हूं मुझे भगवान की तरफ से बेस्ट ब्लेसिंग्स मिली है कि मैं सही तरह सिस्टम को चला पाऊं वो जरूरी पावर्स जो है वो भगवान की तरफ से मुझे मिली है इस यज्ञ के द्वारा और सेक्रीफाइस के बदले में क्या मिलता था ब्राह्मण को जरा लिख लो एक पॉइंट brahman got so many gifts like cow, horse, land, cloth, gold in response of performing Sacrifice. ये ऐड कर लो लाइन ब्राह्मण को कई सारे गिफ्ट मिलते थे गाय घोड़ा जमीन कपड़े सोना सेक्रीफाइस यज्ञ परफॉर्म कराने के लिए यज्ञ जो वो परफॉर्म करता था उसके बदले में कई सारे गिफ्ट वगैरह उनको मिलते थे ये लाइन पहले ऐड कर लो ब्राह्मण को ये सारी चीजें मिलती थी यज्ञ कराने के बदले एक शब्द आता है गोघन एक वर्ड है गोघन गोघन का मतलब यहां पर है गेस्ट गेस्ट को गोघन बोलते थे गेस्ट को बोलते थे गोघन क्वेश्चन आ जाए कभी गोघन का क्या मतलब है गोघन का मतलब गेस्ट गोघन मतलब गेस्ट और इसका मतलब होता है हु फीड ऑन कैटल हु फेड ऑन कैटल्स गोघन शब्द का मतलब यह है गोघन कौन होता था गेस्ट होता था गोघन गेस्ट होता था इसका मतलब क्या है हु फेड ऑन कैटल्स यजमान कौन होता था एक शब्द अभी भी आजकल पंडित जी देखो यूज करते हैं यजमान यजमान कौन होता था परफॉर्मर ऑफ यज्ञ जो यज्ञ करा, करा, कंडक्ट कराता था परफॉर्मर ऑफ यज्ञ जनरली कौन होगा राजा होगा यजमान शब्द जिक्र आता है यजमान कौन है जो यज्ञ करवा रहा है यज्ञ जो कंडक्ट करवा रहा है वो यजमान यजमान शब्द का जिक्र मिलता है कई जगह परफॉर्मर ऑफ यज्ञ तो यजमान क्या होगा यज्ञ पूरा होने पर ब्राह्मण को ये सब चीजें देगा यजमान यज्ञ करवा रहा है यजमान यज्ञ पूरा होने पर ब्राह्मण को ये सब चीजें देगा गोहन कौन है गेस्ट है तो एक तो मैंने बताया राजसूय यज्ञ और भी यज्ञ होते थे एक होता है वाजपेय यज्ञ जिसमें चैरियट रेस होती थी चैरियट होता है रथ रथों की दौड़ होती थी जिसमें राजा भी पार्टिसिपेट करता था और राजा जीत कर ये दर्शाता था कि देखो पावर के मामले में भी मैं डिजर्व करता हूं आपका राजा होना कि मुझे गॉड की ब्लेसिंग्स तो है राजसूय यज्ञ करा के उसके अलावा वाजपेयी यज्ञ में वो ये प्रूव करता था रथों की दौड़ वगैरह कराई जाती थी जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट करता था और विनर होकर यह बताता था कि देखो मैं कैपेबल भी हूं आपका राजा होने के लिए वो स्ट्रेंथ वो पावर जो चाहिए वो भी है मेरे पास तो वाजपेय सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस मैंने बताया एनिमल सेक्रीफाइस में भी यूज करते हैं वर्ड यज्ञ के लिए भी बोलते हैं अभिषेक दोनों के लिए वर्ड आता है जब एनिमल सेक्रीफाइस की बात करोगे तो जानवर की बलि देने की बात कर रहे हो जब यहां पे यज्ञ की बात कर रहे हो तो भी सेक्रीफाइस क्योंकि यज्ञ कराने के बदले राजा बहुत सारी चीजें ब्राह्मण को देता था यज्ञ कराने के बदले में राजा बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करता था बहुत सारी चीजें देता था ब्राह्मण को तो यहां पे भी यज्ञ के लिए भी सैक्रीफाइस वर्ड आता है इंग्लिश में तो वाजपेयी यज्ञ ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ वाजपेयी का मतलब है ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ वाजपेयी वर्ड का मतलब है ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ जहां पे चैरियट रेस रथों की दौड़ होती है और एक उसमें से राजा होगा रथों की दौड़ होगी और एक उसमें से राजा होगा और राजा विनर होकर ये शो कर रहा है कि मैं आप लोगों का राजा बनने के लिए देखो बिल्कुल डिजर्व कर रहा हूं जो पावर चाहिए वो भी है मेरे पास अश्वमेध यज्ञ मैंने बताया सराउंडिंग किंगडम को सबजुगेट करना अपने में मिलाना अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता था उस पर रॉयल सिंबल एक फ्लैग लगा दिया जाता था और वो घोड़ा जहां तक जाएगा कोई नहीं रोकेगा वो सब सरेंडर कर चुके हैं आपके सामने जिसने पकड़ लिया वो चैलेंज कर रहा है आपको तो अश्वमेध यज्ञ में क्या करते थे यज्ञ कराते थे राजा का घोड़ा होता था छोड़ देते थे फ्लैग लगा देते थे रामायण में भी देखा होगा लव लवक ने पकड़ लिया था घोड़ा तो सबजुगेशन सराउंडिंग किंगडम का सबजुगेशन करते थे अश्वमेध यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ करा के घोड़ा छोड़ दिया जाता था और आसपास के जो राज्य हैं उनको मिलाने के लिए ऐसा होता था जो सरेंडर करते जाते थे इसका मतलब उन्होंने आपको अपना राजा मान लिया है और अश्वमेध यज्ञ करा के राजा बन जाता था राजाओं का राजा मतलब सम्राट इम्पेर अश्वमेध यज्ञ करा के जो राजा है आसपास के राजाओं का भी हेड हो जाता था आसपास के राजाओं से भी एक लेवल ऊपर तो अश्वमेध यज्ञ करा के राजा खुद को सम्राट घोषित कर देता सम्राट बन जाता था तो अश्वमेध यज्ञ में आसपास के किंगडम को मिला लेते थे इसके द्वारा ठीक है आसपास के सिस्टम को मिला लेते थे अपने में चलो ये सारी बात कंप्लीट अब जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखे हैं नोट करना चाहो तो कर लो एक बार मैं शुरू से दिखा देता हूं स्टार्टिंग से मैं दिखा दे रहा हूं क्या क्या लिखा है नोट करना चाहो कर लो ऋग्वेद बता दिया था आयरन नॉलेज ये सब लिखा ही है सेटल लाइफ जीते थे ये लिखा है जनपद रत्नी लिखा है एलुवियल सॉइल भाग ये सब लिखा है ये सब बाद में लिखे ये बता दिया द्विज द्विज वर्ड एक तो ये नोट कर लो जने वाला जो कंसेप्ट है पुषान ये नोट्स में नहीं लिखा था आपके यहां से लिखना शुरू कर दो लेटर वैदिक में ही ये सब कंसेप्ट आए हैं गोत्र का कंसेप्ट आश्रम सिस्टम मेन गॉड कौन कौन हुआ करते थे इन पॉइंट को ऐड कर लो नोट्स में जो मैंने एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं इनको नोट्स में ऐड कर लीजिए गोत्र कंसेप्ट लेटर वैदिक एज में आया आश्रम सिस्टम जो मैंने बताया था कल जबाला उपनिषद जबाला उपनिषद में फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ जो लिखाई गई हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संस आश्रम सिस्टम का जिक्र उप उपनिषद ये भी लेटर वैदिक का है द्विज जनेव वाला जो concept, द्विज का मतलब होता और शुद्र की चाहे तो शब्दों में लिखना है कंडीशन ठीक नहीं थी लेटर वैदिक में लेटर वैदिक में वुमेन और शुद्र की कंडीशन ठीक नहीं थी तो गोत्र कंसेप्ट मेनली लेटर वैदिक में आया आश्रम सिस्टम इसी समय का मेन गॉड प्रजापति रुद्र और विष्णु थे मूर्तियों के एविडेंस यहां से मिलने लगते हैं मेन गॉड प्रजापति रुद्र और विष्णु थे मूर्ति के एविडेंस यहां से मिलने लगते हैं वूमन और शुद्र की कंडीशन ठीक नहीं थी पुषाण शुद्रों के भगवान पुषाण जो है शुद्रों के भगवान ये सब नोट कर लिया उसका मैंने लिखवाया था कि जो ब्राह्मणों का डोमिनेशन था पंचाल और विदेह क्षेत्र से उसको चैलेंज किया गया क्योंकि उपनिषद वहां से शुरुआत हुई है उपनिषदों ने उनका स्पिरिचुअल एंगल ओपन कर दिया आत्मा को ब्रह्म से जोड़ के देखने की बात में ये रीति रिवाज का, का काम अब विकार है अब इसका मतलब नहीं है इसको चैलेंज अपोज करना शुरू कर दिया विरोध करना शुरू कर दिया तो पंचाल और विदो विधेय क्षेत्र थे इन्होंने अपोज किया ब्राह्मणिकल सिस्टम जो चल रहा था जो मोनोपोली थी उनकी उसको चैलेंज किया और आत्मन और ब्रह्म के साथ रिलेशन को ही इन्होंने मेन प्रायोरिटी दी मेन इम्फेसिस तो एक्स्ट्रा पॉइंट जितने हैं वो ऐड करने हैं कर लिया आप लोगों ने नहीं किए तो मैंने दिखा दिया ऐड कर लो इसको एक्स्ट्रा जितने पॉइंट्स हैं वो देख लो कोई मिस नहीं हो चलो यही तक की बात है ठीक है चलो यहां तक कहानी खत्म कंप्लीट और वोमेन और शुद्र की कंडीशन ठीक नहीं है ये ऐड कर लो। में अच्छी में है। लेटर वैदिक में आते, आते स्थिति हुई है इसके बाद, अब हम आ जाते हैं, लेटर वैदिक के बाद आ जाते हैं, 600 BC। अब आपको पता लग गया प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में ऊंच नीच कंसेप्ट आ चुका है ब्राह्मण की मोनोपोली है क्षत्रिय लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है तो हंड्रेड बीसी यहां पर सबसे बड़े चैलेंजेस सबसे बड़े चेंजेस आना शुरू होते हैं जिसे हमने क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट जब बताया था इसे क्या कहा था एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा था 600 हंड्रेड को ही हमने एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा था जिसमें रिलीजियस चेंजेस भी आना शुरू हुए और पॉलिटिकल चेंजेस भी आना शुरू हुए रिलीजियस चेंजेस आना शुरू हुए और पॉलिटिकल चेंजेस भी आना शुरू हुए रिलीजियस चेंजेस एंड पॉलिटिकल चेंजेस रिलीजियस चेंजेस आना शुरू हुए तो राइज ऑफ न्यू सेक्ट नए नए धर्म बनने लगे राइज ऑफ न्यू सेक्ट लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म इस तरह से नए नए धर्म आने लगे और सबसे पहले चैलेंज किसकी तरफ से हुआ ब्राह्मणों को छत्रियों की तरफ से कि सारी पावर आप ले जा रहे हो मेहनत हम कर रहे हैं पावर आपको मिल रही है नए नए धर्म आ गए और वैश्य और शुद्र और विमेन जिनकी कंडीशन ठीक नहीं थी वो लोग अपने सूटेबल जो उनको सूट कर रहा था उस रिलीजन की तरफ कनेक्ट होने लगे फिर पॉलिटिकल चेंजेस भी होने लगे सोडस महाजनपद सोलह ग्रेट स्टेट बनी थी एक साथ उस समय जो एग्जिस्ट कर रही थी सोलह बड़े साम, बड़े साम्राज्य तो नहीं आप जैसे जनपद वाला जो कंसेट बोल रहे हो राजा वाला जो कंसेट बोल रहे हो सिक्सटीन थे ऐसे मगध अवंती इस तरह के सोलह सोलह ग्रेट स्टेट राइज किए थे तो ये समय था इस समय सोलह बड़े स्टेट सिक्सटीन ग्रेट स्टेट राइज किए थे ये समय था राइज ऑफ सिक्सटीन ग्रेट स्टेट सोलह ग्रेट स्टेट राइस किए मोस्ट पावरफुल वॉज मगध मोस्ट पावरफुल वाज मगध हम इसके आगे कहानी पे बढ़ते हैं उस समय कौन कौन से सोडस महाजनपद सोडस मतलब सिक्सटीन सोडस महाजनपद जो थे उनके राजा वाजा कौन रूल कर रहे थे तो मगध था अवंती था कौशल था वत्स था वैशाली था तो सोडस महाजनपद सोलह बड़े जनपद बड़े एक तरह से आप साम्राज्य कह लो बाद के जो गुप्त साम्राज्य वगैरह उतने बड़े नहीं मतलब शुरुआत में जो एक जनपद कंसर्ट महाजनपद जनपद एरिया से एक बड़े स्टेट मान लो आप कि जहां राजा रूल कर रहे हैं तो सेटलमेंट में ही सिक्सटीन ग्रेट स्टेट थे इनके बीच में कंफ्लिक्ट वगैरह धीरे धीरे शुरू होना हुए क्योंकि अब अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का कंसेप्ट आया कि मैं यहां रूल कर रहा हूं मैं अपनी टेरिटरी को और बढ़ा लू कब्जा कर लू इससे पहले आप कब्जा करना युद्ध करना युद्ध वगैरह ज्यादा एविडेंस आपको नहीं देखने को मिले उल्टा जिनके बीच में युद्ध हुआ था वो भी दोस्त हो गए थे बैटल ऑफ टेन किंग्स में तो आपने देखा कि जिनके बीच युद्ध हुआ है वही साथ में अलायंस में आ गए लीटर वैदिक तक भी आपको इतना ज्यादा कोई वॉर वगैरह देखने को नहीं मिली सिक्स हंड्रेड आते अब इसके बाद जो है फिर युद्ध करना वॉयेंस करना सेना रखना हाथी घोड़े रखना सेना के साथ बहुत सिक्योर अपने आप को करना प्रोटेक्शन देना इस तरह के कंसेप्ट इसके बाद शुरू होते हैं 600 हंड्रेड बी सी सिक्स हंड्रेड बी सी वो टाइम है उसके बाद एक्सपेंशन करना कब्जा करना ये सब कंसेप्ट इसके बाद आए हैं शुरुआत में ऋग्वैदिक आर्यंस में या लेटर वाले में आपको एक्सपेंशन वगैरह ज्यादा कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा कुछ इक्का दुक्का घटनाएं कहीं दिखती हैं 600 हंड्रेड बीसी के बाद ये बड़े पैमाने पर होने लगा ठीक है कौन कौन से सोडस महाजनपद थे तो एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 600 हंड्रेड धार्मिक बदलाव हुए पॉलिटिकल चेंजेस हुए सोडस महाजनपद का उदय सबसे पावरफुल एम्पायर था मगध क्यों पावरफुल था अभी हम इस पर चर्चा करेंगे अब अब हम इस पर चर्चा करेंगे तो सोडस महाजनपद में कौन कौन थे अगर एक बार नाम देखना चाहो 600 हंड्रेड एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन धार्मिक बदलाव पॉलिटिकल चेंजेस 16 ग्रेट स्टेट कौन कौन थे सबसे पावरफुल था मगध देखो लिखा है मैंने यहाँ कौन कौन से सोडस महाजनपद माइथोलॉजिकल सीरियल वगैरह जो देखते हो ये धार्मिक वाले कथाएं उथाएं देखते हो उनमें भी ये नाम सुनने को मिलता है आपको वत्स नरेश कौशल नरेश ये सब वर्ड सुनने को मिलता है ना महाभारत वगैरह में ही बहुत सुनने को मिलता है तो मगध वत्स, कौशल अवंती वजी मल, पांचाल इसके अलावा गांधार काशी अंग छेदी अंग के बाद छेदी कंबोज मत्स्य कौशल सौरसेन अस्मक कई सारे नाम आपको महाभारत में सुनने को मिल जाएंगे अंगराज किसको बोलते कर्ण था ना अंगराज कौशल नरेश मत्स्य नरेश इस सारे आपको महाभारत में बहुत नाम सुनने को मिल जाएंगे तो सिक्सटीन ग्रेट स्टेट जो थी कौन कौन सी थी मगध वत्स कौशल अवंती वज्जी मल पंचाल गांधार काशी अंग छेदी मत्स्य कंबोज कौशल सौरासेन अस्मक ये सोडस महाजनपद थे उस समय अब इसमें मगध सबसे पावरफुल अब ध्यान से सुनो एक एक करके मगध के पावरफुल होने के कुछ रीजन थे एक तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन मगध की सबसे पहली जो कैपिटल है म, देखो मगध पूरा एक एम्पायर है साम्राज्य है जिसमें कई राजाओं का समय देखा मगध एम्पायर में कई राजा हुए कई डायनेस्टीज हुई कई वंश हुए मगध एम्पायर जिन्होंने जो, जो रूल किए सबसे पहले जिक्र आता है हरण्यक कुछ लिखो मैं तभी सुनो बस ध्यान से सबसे पहले जिक्र आता है हरण्यक डायनेस्टी हरण्यक डायनेस्टी जिसकी शुरुआत होती है एक राजा था बिंबी सार। एक राजा था बिंबिसार बिंबिसार राजा हुआ करता था हरन्यक डायनेस्टी का वहां से शुरुआत मानी जाती है मगध एंपायर की बिंबिसार का जो फोकस था वो एक्सपेंशन पर था उनको कोई भी तरीका अपनाना पड़े पर उनका टेरिटोरियल इंटीग्रेशन करने पे फोकस था जमीन को एक्सपेंड करना है उस पर उनका ध्यान था। साम, दाम, भेद, कुछ भी करके हम एक्सपेंशन कर पाए और उनका लड़का उनसे भी चार हाथ आगे था अजाज शत्रु अभी दो ही नाम मैंने लिए बिंबी सार अजा शत्रु पहले सुनो तो मगध एम्पायर की शुरुआत होती है हरण्यक डायनेस्टी से जो एविडेंस मिलते हैं उसका राजा था बिंबी एक आगे नाम आएगा बिंदुसार अशोक के दादा का तो बिंदुसार नहीं बोल रहा हूं बिंबिसार बिंबीसार एक राजा था तो बिंबिसार मगध का राजा उसकी राजधानी थी राजगीर तो क्वेश्चन आता है मगध की सबसे पहली कैपिटल कौन सी थी राजगीर थी क्या कारण था मगध इतना पावरफुल था उसके दो तीन फैक्टर हैं एक तो इंपॉर्टेंट कारण यह है कि मगध की ज्योग्राफिकल लोकेशन उसको बहुत सूट करती थी राजगीर कैपिटल उसने बनाई राजगीर को गिरिव गिरिव्रज भी कहते हैं गिरवी राज या गिरिव्रज भी कहते हैं फाइव हिल्स का एरिया है वो तीन तरफ से वो स्टोन पत्थरों से घिरा हुआ पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया तो अटैक नहीं हो सकता था प्रोटेक्टेड था उसकी जो राजगीर की जो लोकेशन थी जो वो उसको नेचुरल प्रोटेक्शन दे रही थी तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा फाइव हिल्स का एरिया है वो प्लस आयरन वाली बेल्ट है वो आयरन इनको मिला तो इनके वेपन्स वगैरह जबरदस्त हुआ करते थे क्योंकि आयरन वहां पर काफी था दो जगह हैं जहां पर आयरन काफी ज्यादा था मगध में और मध्य प्रदेश अवंती उज्जैन तो कौन सबसे पावरफुल रहे होंगे एक एक मगध रहा रहा होगा एक रहा होगा अवंती सबसे पावरफुल कौन रहे होंगे मगध क्योंकि उनके पास आयरन था उसके पास आयरन को कैसे मॉडिफाई करके वेपन्स बनाने हैं वेपन्स बनाने के कारीगर बड़े जबरदस्त थे मगध के पास उसके अलावा हाथी वगैरह का बहुत इस्तेमाल था सेना में हाथी वगैरह हाथी घोड़े इस तरह के एनिमल बहुत सारे थे बड़ी सेना थी मगध के पास तो सेना बड़ी कैपिटल की लोकेशन सुरक्षित है आयरन इनके पास आयरन के वेपन खतरनाक बनाने हैं वो टेक्नोलॉजी इनको पता तो मगध इस तरह से बहुत एडवांस था इस मामले में वॉर टेक्नोलॉजी वॉर के जो वो, जो वो मैन पावर चाहिए वॉर लड़ने के लिए उस तरह के लोग अच्छे अवेलेबल स्किल्ड मैन पावर मगध के पास ये कई फैक्टर थे जो मगध के फेवर में थे जोग्राफिकल कंडीशन सबसे ज्यादा सपोर्ट करती थी मगध को तो मगध एक्सपेंशन उसका मेन फोकस था बिंबी जो राजा था तो उसने एक्सपेंशन किया भी और चलाक भी था जा कई जगह तो उसने युद्ध लड़के कब्जा किया कहीं कहीं उसने मैट्रिमोनियल अलायंस शादी करके शादी करके डिप्लोमेटिक तरीके से अपने रूल को बढ़ा लिया शादी करके डिप्लोमेटिक तरीके से बढ़ा लिया तो पहले जमाने में आपको पता कि राजा महाराजा मल्टीपल मैरिजेस किया करते थे मैरिज का उनका एक कंसेप्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन भी होता था कि युद्ध लड़े बिना ही पीस के साथ ही साम्राज्य बढ़ जाए और वो हमारे रिलेटिव होंगे तो कोई दुश्मन हम पे अटैक भी नहीं करेगा क्लियर है बिंबी सार की तीन मैरिज हुई थी बिंबी सार की तीन मैरिज हुई थी जिसमें से एक जो मैरिज थी वो वैशाली में लिच्छवी ट्राइब थी वैशाली रूल करती थी लिच्छवी ट्राइब तो लिच्छवी की ही बेटी थी जो लिच्छवी चेतक चीफ थे उस ट्राइब के वैशाली में लिच्छवी ट्राइब रूल करती थी उसके चीफ का नाम था चेतक उनकी बेटी कहीं कहीं लिखा है उनकी सिस्टर थी कहीं कहीं लिखा है उनकी, उनकी बेटी थी अलग अलग जगह अलग अलग लिखने को मिलता है चेलम्मा नाम था तो चेलम्मा की शादी हुई थी बिंबिसार से तीन शादियां हुई थी बिंबिसार की एक मद्र नरेश की बेटी थी पंजाब का एरिया मद्र मतलब पंजाब पंजाब के मद्र नरेश उनकी बेटी से शादी हुई थी एक शादी इनकी हुई थी ये लिच्छवी वैशाली जो एरिया वैशाली में लिच्छवी ट्राइब रूल करती थी चेतक की बेटी उनसे शादी हुई थी पर चेतक की ही एक जो बेटी थी वो वर्धमान महावीर की मदर थी एक बेटी जो थी वर्धमान महावीर की मदर थी और बुद्ध भी मगध एम्पायर बीसी की जब मैं बात कर रहा हूं उसी के 20-30 साल के बाद उसी के मतलब 50 ईयर का टाइम आप देख लो मगध एम्पायर के समय में ही बुद्ध और महावीर स्वामी वर्धमान महावीर ये भी रहे हैं तो बिंबी का जो समय है उस समय ही वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध इनका भी समय है गौतम बुद्ध वर्धमान महावीर दोनों कंटेम्प्रेरी हैं समकालीन हैं पर क्या उनके बीच कभी कोई मुलाकात हुई थी एक घटना कहीं जिक्र मिलता है कि कोई मठ था जहां पर रुके थे पर इन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई एक एविडेंस कहीं मिलता है जहां पर दोनों एक दूसरे को मतलब आ, कोई जानते थे कोई दोस्ती थी ऐसा कुछ नहीं पर एविडेंस मिलता है कि एक जगह कहीं रुके थे पर आमना सामना नहीं हुआ सामने कोई बातचीत हुई हो, ऐसा नहीं मिलता तो मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा भी बिंबिसार ने अपने शासन को एक्सपेंड किया वॉर के द्वारा भी और मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा भी तीन मैरिज की तो अपने सिस्टम को एक्सपेंड करता गया कौशल नरेश की पुत्री से शादी की थी कौशल की जो आ, कौशल नरेश थे उनसे उनकी पुत्री से मद्र नरेश और लिच्छवी तीन बिंबिसार तो बिंबिसार ने अपने सिस्टम को एक्सपेंड किया अवंती इनका एंटी हुआ करता था अवंती जो है मध्य प्रदेश उज्जैन कैपिटल थी अवंती की और अवंती का राजा हुआ करता था प्रद्योत महासेन अवंती का राजा हुआ करता था प्रद्योत महासेन इनकी सिस्टर से भी मैरिज हुई थी बिंबिसार की एक मैरिज प्रद्योत महासेन की सिस्टर से भी हुई थी तो तीन मैरिज मैंने बताई ना एक तो प्रद्योत महासेन प्रसंजीत या प्रद्योत महासेन चलो अभी इसमें तीन मैरिज मैं आपको बता रहा हूं बिम्बिसार की तीन मैरिज हुई थी एक लिच्छवी वाली एक हुई थी मध्य नरेश की पुत्री से एक मैरिज कोई और थी एक मैरिज और थी तो अवंती अवंती का राजा था प्रद्योत महासेन प्रद्योत महासेन एक सी कैपिटल थी उज्जैनी उज्जैन जो बोलते हो उसको अवंती का नाम से भी जानते थे उज्जैन को अवंती का नाम से भी जाना जाता था तो बिंबी सार जो था ये एंटी था अवंती क्योंकि प्रदेश का एरिया यहां भी आयरन था ये भी नॉलेजेबल लोग थे वेपन्स वगैरह में एक्सपर्ट थे सबसे बड़ा चैलेंज मगध को अवंती से था सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे लंबा जो चला है मगध का अवंती से चला है अवंती मतलब उज्जैन की राजधानी थी मध्य प्रदेश वाला एरिया आज का और प्रद्योत महासेन यहां राजा था तो मगध ने कई एरिया तो जीत लिए थे सबसे बड़ा चैलेंज उसको आया था अवंती से सबसे बड़ा चैलेंज अवंती से आया था प्रद्योत महासेन वहां रूल कर रहे थे पर बिंबिसार ने कुछ समय में अपने रिलेशन अच्छे कर लिए थे कुछ समय में अपने रिलेशन अच्छे कर लिए थे जैसे ये इसको एक बार जॉन्डिस हुआ प्रद्योत महासेन को एक बार जॉन्डिस हुआ तो बिंबिसार का फिजिशियन हुआ करता था वैद्य उसका नाम था जीवक उसको भेजा था बिंबिसार ने प्रसन्जी प्रद्योत महासेन जो था उसके उसके इलाज के लिए जॉन्डिस हुआ था उसको उसके इलाज के लिए अपने वैद्य को भेजा था राजवैद्य को उसका नाम जीवक था तो दोस्ती वगैरह हो गई थी इन दोनों के बीच में एक समय में एक समय आया था बिंबिसार और अवंती मतलब मगध और अवंती के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो गए थे बिंबिसार को उसके ही बेटे अजाजशत्रु ने मार डाला और गद्दी पे बैठ गया अजाज शत्रु इतना रिजिड था उसको सिर्फ फोकस था एक्सपेंशन वो अपने पिता से भी चार हाथ आगे था उतना ही ग्रीडी भी था तो अजाज शत्रु सार का बेटा अजाज शत्रु कौन था बिंबिसार का बेटा जो अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा और मगध एम्पायर को उसने और एक्सपेंड किया कौशल वगैरह जो एरिया कई और भी एरिया थे उनको भी जीत लिया था उसने अजा शत्रु ने कई और भी एरिया को जीत लिया था अवंती को नहीं अवंती अवंती से बचाव के लिए उसने दीवारें वगैरह बनवा दी थी अजाज शत्रु को खतरा अवंती से था बिंबी सार को उसने मार दिया अपने ही पिता को गद्दी पर बैठ गया अजाज शत्रु और एक्सपेंड किया उसने अपने एम्पायर को मगध एम्पायर को और एक्सपेंशन किया सबसे बड़ा खतरा उसको अवंती से था

शिशु नाग के बाद फिर आए नंद अब सुनो ध्यान से हरण्यक डायनेस्टी में आया बिम्बिसार राजा हरण्य डायनेस्टी में बिम्बिसार बिम्बिसार का बेटा अजाशत्रु अजाशत्रु का बेटा उदयन हरण्य डायनेस्टी की बात हो गई मैंने अभी साइड में लिख लिखता जाता हूं मेरुको एक मिनट कुछ कुछ नाम मैं यहां लिख दू पता रहे जिससे मगध एम्पायर में ही मगध एम्पायर में ही सबसे पहली डायनेस्टी का नाम हम देखेंगे हरण्यक हरण्यक डायनेस्टी नोट्स में लिखा है वैसे इसमें तीन इंपॉर्टेंट राजा में बात कर रहा हूं एक है बिंबी सार बिंबी सार की वाइफ और वर्धमान महावीर की मदर वो एक ही एक ही पिता की बेटी थी इनकी वाइफ और वर्धमान महावीर की मदर वो एक ही वो जो लिच्छवी ट्राइब थी उसी से उसी की थी लिच्छवी ट्राइब से थी वैशाली तो बिंबिसार बिम्बिसार का बेटा अजाज शत्रु और अजाज शत्रु का बेटा उदयन ये तीन जो है हरण्यक डायनेस्टी के हैं इसके बाद फिर आए शिशुनाग 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 डायनेस्टी शिशुनाग के बाद फिर आए हैं नंद नंद में नंद में जो मेन राजा है महापद्मनंद नंद डायनेस्टी में सबसे पावरफुल राजा हुआ महापद्मनंद जिसने कलिंग तक का एरिया कब्जा किया था महापद्मनंद नंद नंद डायनेस्टी का राजा जिसने कलिंग तक का हिस्सा कब्जा किया था वहां तक एम्पायर को बढ़ा दिया था उसने काफी बड़ा मगध साम्राज्य हो गया था नंद के समय में और सबसे पावरफुल मगध एम्पायर में सबसे पावरफुल रहा है नंद उसके बाद मौर्य उसको और आगे बढ़ाया मौर्य ने फिर और एक्सपेंशन किया था नंद के बाद आए थे वो तो हरण्य में तीन राजा उसके बाद शिशुनाग शिशुनाग में एक राजा का जिक्र मिलता काल अशोक एक नाम था एक शिशुनाग राजा था काल अशोक था फिर नंद नंद में महापद्म नंद सबसे पावरफुल महापद्म नंद इतना पावरफुल क्यों था बहुत रिच था वेल्थ बहुत थी उसके पास बहुत रिच था और बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने सिस्टम को चलाता था इसका मतलब इतनी सेना थी इतने हाथी घोड़े थे पैदल सैनिक बहुत थे उसके पास नंद के पास तो महापद्म नंद ने काफी ज्यादा नंद डायनेस्टी मगध एम्पायर नंद डायनेस्टी जो थी उसने मगध एम्पायर को और एक्सपेंड कर दिया था कलिंग वगैरह तक फैला दिया था क्योंकि बहुत रिच था और आर्मी वगैरह बड़ी मजबूत थी उसके पास अलेक्जेंडर का अटैक जब इंडिया पर हुआ 326 ट्वेंटी में अलेक्जेंडर जो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था मैसेडोनिया का राजा मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर सिकंदर जिसको बोलते हो वो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था और ईस्ट की तरफ जो ये बिहार वगैरह का एरिया है मगध एम्पायर जहां पर था नंद जहां रूल कर रहे थे वहां तक हिम्मत नहीं पड़ी जाने की उसके दो तीन कारण थे एक तो अलेक्जेंडर को डर भी था क्योंकि नंद बहुत पावरफुल थे काफी बड़ी सेना थी बहुत रिच थे और बहुत पावरफुल थे नंद उस समय तो अलेक्जेंडर की हिम्मत वहां तक नहीं पड़ी थी उसके मन में डर था इस बात को लेकर दूसरी बात अलेक्जेंडर कुछ ही आगे तक इंडिया में आ पाया था जैसे उसने तक्षशीला में अम एक राजा हुआ करते तो उनको हरा दिया था फिर वहां से आगे बढ़ा तो झेलम के पास एक युद्ध हुआ था पोरस से लड़ाई हुई थी झेलम के पास एक बैटल ऑफ हाइडसपस हुई थी और एक युद्ध उसका ये बैटल ऑफ हाइडस्पस झेलम के पास युद्ध हुआ था पोरस को हरा दिया था अलेक्जेंडर की सेना ने हाथी वगैरह जितने बड़े जानवर देखे नहीं थे तो इतने बड़े बड़े जानवर भी हो सकते हैं युद्ध में जो इस्तेमाल हुए थे घबरा भी गए थे सैनिक उसके और जब ब्यास नदी तक वो पहुंचा तक्षला में अंभी को हराया हाइडसप बैटल मतलब झेलम के पास हुई थी बैटल ऑफ हाइडसपस जहां पोरस को हराया हाथी वगैरह जितने बड़े बड़े जानवरों का सामना हुआ था सेना का कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया था उसके बाद तक आते आते ब्यास तक आते आते रिवर तक इसकी सेना ने कर दिया रिवोल्ट रिवोल्ट क्यों कर दिया कि तुमको तो बनना है विश्व विजेता हम इतने समय से घर से बाहर हैं हम अपनी फैमिली को भी भूल चुके हैं हमारी फैमिली भी पता नहीं हमको याद रखी होगी कि नहीं और तुम्हारे विश्व विजेता बनने के लालच में हम अपना घर बार छोड़ के इतने समय से भटक रहे हैं यहां वहां बीमारियां भी फैल रही थी लोकल लोगों से क्रॉस वगैरह हुए थे उसकी आर्मी के बीमारियां भी हो गई थी कई लोगों को महामारी वगैरह भी कुछ फैली हुई थी उस समय पे कई कारण ऐसे हुए थे इसकी सेना ने कर दिया विद्रोह कि तुम्हारे पागलपन के चक्कर में हम जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो सेना ने कर दिया विद्रोह उसके बाद अलेक्जेंडर के पास ऑप्शन नहीं था उसको वापस जाना पड़ा उसको वापस जाना पड़ा और दूसरा एक कारण यह भी देखने को मिलता है कि मगध एम्पायर जिस हिस्से में रूल कर रहा था वो बहुत पावरफुल था अलेक्जेंडर का उनसे एनकाउंटर अगर होता उनसे कंफ्लिक्ट सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती थी क्योंकि नंद बहुत पावरफुल रूलर थे वेल्थ वाइज भी बहुत मजबूत थे और सेना भी बहुत मजबूत थी मगध की कई बड़े बड़े सत्ता उन्होंने जीत बड़े बड़े किंगडम उन्होंने जीत लिए थे उस समय पे नंद जो थे अब महापद्मनंद के समय तो बहुत पावरफुल था सब कुछ महापद्मनंद का लड़का था धनानंद महापद्मनंद ने इतना बड़ा एम्पायर तैयार करके दे दिया तो उनका लड़का था धनानंद तो अलेक्जेंडर के अटैक के समय धनानंद रूल कर रहा था तीन सौ में धनानंद महापद्मनंद का लड़का महापद्मनंद ने बहुत बड़ा एम्पायर तैयार करके दे दिया उनका लड़का धनानंद वो भी स्मूथली जिंदगी चल रही है बहुत पावरफुल तो था ही वो भी तो धनानंद के टाइम पर अटैक हुआ था पर उस समय भी अलेक्जेंडर वहां तक नहीं पहुंचा ब्यास रिवर के पास हो गया रिवोल्ट धनानंद के समय में ही वो गलती धनानंद से हुई तक चाणक्य है तो तक्षशिला में पढ़ाते थे, तो थे विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य उनके फादर चाणक के नाम पर और बड़े विद्वान व्यक्ति थे इसलिए उनको कौटिल्य भी कहा जाता है तो विष्णुगुप्त जिनका नाम एक्चुअल नाम विष्णुगुप्त तक्षशिला में टीचर थे तक्षशिला अब पाकिस्तान में है वो एरिया बहुत पुराना लर्निंग सेंटर रहा है इंडिया का और उसमें इनका चाणक चाणक्य नाम चढ़क इनके फादर के नाम पर और कौटिल्य क्योंकि बड़े विद्वान व्यक्ति थे तो ये मगध ये मगध नरेश धनानंद था उस समय नंद डायनेस्टी का तो मगध एम्पायर में नंद रूल कर रहे थे और धनानंद राजा था उसके दरबार में गए तो धनानंद ने बड़ी बेस्ती कर दी इनकी चाणक्य की और तक्षशिला में पढ़ाते थे वहां से मगध गए कि अपनी कोई बात के लिए गए वहां पर तो धनानंद ने इनकी बात को सुना नहीं बड़ा बेज्जत कर दिया क्योंकि तो देखने में कोई बड़े खूबसूरत नहीं थे ठीक है स्किन कलर को लेकर कई तरह के अपशब्द कहे बुरा भला कुछ कहा चाणक्य को तो चाणक्य भड़क गए टीचर थे तो उस समय जो गुरु होते थे तो केश को बांध के रखते थे ना बालों को बांध कर रखते थे तो वो बड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि इतना दम्भी राजा है इतना एरोगेंट इतना इगो में यह राजा चूर है कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहना है क्या नहीं पावर में ये सब कुछ भूल चुका है तो उन्होंने अपने कैश खोले और उस राजा को एक शाप दे दिया और एक वो क्या कहते हैं शपथ ली एक ओथ ली कि जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगा तुम्हारे शासन को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं कैश नहीं बांधूंगा तो गुस्से में निकल गए रास्ते में उन्होंने देखा कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे हैं जिसमें एक बच्चा एक पत्थर के ऊपर बैठा कोई फैसला सुना रहा है बाकी बच्चों को कोई राजा और प्रजा का गेम खेल रहे हैं वो इस गेम को देखते रहे दूर से उस बच्चे को उन्होंने पिक कर लिया कि ये बच्चा सही है धनानंद को सिस्टम से हटाने के लिए, सत्ता से हटाने हटाने के के लिए लिए सत्ता वो लड़का चाणक्य चाणक्य सुपरविजन में ट्रेनिंग मिली के ने उसको सारी चीजें सिखाई राजा कैसा होना चाहिए सिस्टम कैसा होना चाहिए मित्र का क्या मतलब है शत्रु का क्या मतलब है कैसे सत, स्टेट स्टेट क्राफ्ट कैसे चलेगा स्टेट कैसे चलाया जाए ये सारी किन किन चीजों को जरूरत है हमें तो चाणक्य के, के सुपरविजन में वो बच्चा ट्रेन हुआ वही बना चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य नाम कहां से आया चंद्रगुप्त की मदर का नाम था मुरा चंद्रगुप्त की मदर का नाम था मुरा वहां से शब्द आया मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के ही सुपरविजन में उन्हीं की ट्रेनिंग में धनानंद को हरा दिया और मौर्य डायनेस्टी स्थापित हो गई तो फिर मगध एम्पायर में कौन आ गया मौर्य आ गए हरण्यक से बात शुरू हुई फिर शिशुनाग आए शिशुनाग के बाद नंद आए और धनानंद को हराकर चाणक्य का बदला पूरा किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य उनकी मदर मुरा के नाम पर यहां से शुरू हो जाती है मौर्य मौर्य डायनेस्टी वंश शुरू हो जाता है तो चाणक्य लंबे समय साथ जुड़े रहे चाणक्य के सुपरविजन में चंद्रगुप्त मौर्य ने और एक्सपेंशन किया मगध एम्पायर को और हाइट पर ले गए बहुत बड़ा साम्राज्य कर दिया था चंद्रगुप्त ने चाणक्य के सुपरविजन में मौर्य ने और एक्सपेंशन कर दिया था मगध एम्पायर का और भी एरिया मिला लिया था अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य अब इधर रूल कर रहे थे मगध एम्पायर उनके कंट्रोल में आ गया और एक्सपेंशन भी कर दिया मगध का बहुत ज्यादा उन्होंने अलेक्जेंडर जो एरिया जीता था जितना एरिया वो जीते हुए था मैंने बताया तक्षशिला के राजा को हराया था तक्षशिला के राजा अंभी को हराया फिर उसने हराया था झेलम बैटल ऑफ हाइदसपस्ट हुई थी पोरस को हराया था तो नॉर्थ वाला जो एरिया वो जीत रखा था वो तो वापस लौट गया था रिवोल्ट होने पर यहां पे बैठा के चला गया था सेल्यूसस निकेटर को अलेक्जेंडर चला गया वापस मैसेडोन मैसेडोनिया का राजा था और यहां पर बैठाकर चला गया सेल्यूसस निकेटर को उसको राजा बना गया यहां पर सेल्यूसस निकेटर ने अपना एम्बेसडर राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीस उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था अलेक्जेंडर चला गया था सेना ने रिवोल्ट कर दिया था तो अलेक्जेंडर यहां किसको को बैठा के गया था सेल्यूसस निकेटर को सेल्यूस निकेटर ने अपना अम्बेसडर राजदूत जिसका नाम था मेगस्थीनीस उसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थीनिश ने ही एक बुक लिखी इंडिका इंडिया के बारे में जो पहला अकाउंट मिलता है जो उस समय की जानकारी हमें मिलती है इंडिका नामक बुक से जो मेगस्थीनीस के द्वारा लिखी गई क्या यहां तक आप बात समझ पाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मैगस्थिनि सेल्यूसस निकेटर ने भेजा था राजदूत ने ही लिखी थी इंडिका नामक बुक जिसमें उस समय के एविडेंस हमें कई सारी चीजें पता लग पाती हैं कैसे धनानंद को मौर्य ने हराया वराया था कई सारी चीजों की जानकारी इंडिया के बारे में जानकारी बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें चंद्रगुप्त के समय की कुछ बुक्स वगैरह लिखी गई हैं कुछ अकाउंट लिखे हैं कुछ बाद में भी लिखे गए हैं कुछ बाद में भी एविडेंस लिखे गए हैं जहां से काफी जानकारी चंद्रगुप्त के समय की अवेलेबल है चंद्रगुप्त ने धनान को कैसे हराया है उसके बारे में भी बुक अवेलेबल है।, इंडिया इंडिया है तो दो तीन ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं चंद्रगुप्त के समय की बहुत जानकारी अवेलेबल है क्लियर है चंद्रगुप्त अंत समय में उन्होंने जैनिज्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था जैन धर्म के ही एक गुरु थे जो साउथ इंडियन मॉन्स को लेकर साउथ की तरफ चले गए थे भद्रबाहु नाम था भद्रबाहु जैन मॉन्ग थे जो साउथ की तरफ मॉन्स के ग्रुप को लेकर चले गए थे जैनियों के तो भद्रबाहु के साथ हो गए थे चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटका में ही चंद्रगिरी हिल्स में बिताया तो चंद्रगुप्त तो मौर्य ने अपना अंतिम समय जैनिज्म अपना लिया था भद्रबाहु एक जैन मोंग थे उनके साथ कर्नाटक चले गए थे और चंद्रगिरी हिल्स में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य किसको सत्ता सौंपे बिंदुसार को बिंदुसार फिर बिंदुसार का बेटा अशोक कुछ कहानी समझ आई किस तरह से कंटेंट का फ्लो है तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक अशोक ने अपने कई सारे भाइयों को मार दिया था गद्दी पर बैठने के लिए प्रिंस जब वो था बड़ा क्रूअल था जब तक अशोका प्रिंस था बहुत क्रूअल था बहुत युद्ध लड़े उसने प्रिंस के तौर पर बहुत वायलेंस किया जब वो राजा बना उसने सिर्फ एक युद्ध लड़ा कलिंग का युद्ध एज अ किंग ही ओनली फॉट वन बैटल दैट बैटल ऑफ कलिंग कलिंग के युद्ध में इतने लोग जो मारे गए इनोसेंट लोग भी मारे गए वहां से उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ हृदय परिवर्तन हुआ फिर उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया है अपने बेटा बेटी को भी बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में अशोक ने लगा दिया था क्लियर है तो यहां पर थोड़ा सा मैं इस बात को रोकता हूं यहां तक की कहानी क्लियर है तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था उनके बाद बिंदुसार बिंदुसार के बाद अशोक तो बिंदुसार जब राजा थे तो अशोक एज अ प्रिंस लड़ता था बहुत वायलेंस किया इसने और एक्सपेंशन किया राजा जब बना सिर्फ एक युद्ध लड़ा कलिंग राजा के तौर पर अशोक ने केवल एक युद्ध लड़ा है कलिंग और कलिंग युद्ध से ही इसका हृदय परिवर्तन हुआ इसने बुद्धिज्म अपनाया उसके बाद बेटा बेटी को भी बुद्धिज्म के प्रमोशन में ही लगा दिया इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी अशोका का नाम कई जगह मिलता है देवनाम पियदासी एक जगह नाम मिलता है इसका इसका अशोका नाम एक जगह मिलता है बाकी एक जगह इसका नाम देवनाम पियदासी इसका नाम मिलता है अशोक का नाम एक्चुअल नाम क्या देखने को मिलता है कुछ पिलर वगैरह हैं इसके समय के जहां पर अभिलेख लिखे हुए हैं इंस्क्रिप्शन लिखे हैं तो अशोक का एक नाम मिलता है देवनाम पियदासी क्वेश्चन आया हुआ कई बार कि अशोका को और किस नाम से जाना जाता था देवनाम पियदासी इस नाम से और एक नाम इसका चंड अशोक भी मिलता है चंड अशोक भी मिलता है क्योंकि इसने गद्दी को पाने के लिए अपने भाइयों वगैरह को मार डाला था चंड अशोक भी नाम मिलता है इसका तो अशोका नाम जो है उसी राजा का नाम चंड अशोक नाम से ही बोलते हैं और उसको देवनाम पियदासी नाम से भी जाना गया है एक दूसरा राजा जो शिशुनाग डायनेस्टी में था उसका नाम काल अशोक था दोनों अलग हैं अशोका देवनाम पियदासी और चंड अशोक ये एक ही व्यक्ति है काल अशोक पहले हुआ करता था शिशुनाग डायनेस्टी में तो अशोका जो बिंदुसार का बेटा है बहुत बात की बात है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार बिंदुसार का बेटा अशोका अशोक का नाम देवनाम पियदासी और अशोक का ही नाम चंड अशोक एक दूसरा राजा काल अशोक वो इससे अलग है वो शिशुनाग जो डायनेस्टी थी उसमें था क्या ये बात समझ पाए सभी लोग अभी तक मैंने जितनी चर्चा की है क्या वो कहानी समझ आ गई यहां तक किसी को कोई वर्ड क्लियर नहीं हो तो बताए सब कुछ लिखना नहीं पॉसिबल है पूरी पूरी कहानी वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाओगे मेन मेन पॉइंट्स लिख सकते हो पर कहानी की फॉर्म में मैं जब बता रहा हूं तो मैं लिख नहीं रहा हूं इसीलिए कि कहानी की तरह पूरी चीज याद हो जाए मेन मेन पॉइंट नोट्स में सब लिखेंगे लिख भी रहा हूं मैं पर कहानी पूरी पूरी हर वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते ठीक है कुछ समझ आया है या फिर से रिपीट करूं मैं या ज्यादा कुछ कंफ्यूजन हो गई दिमाग में कुछ समझ आया है या कंफ्यूजन हो गई कुछ देखो अब एक एक करके देखें तो मगध सबसे पावरफुल था मगध उस सोडस महाजनपद में एक था वत्स वत्स के राजा थे उदय और इनकी कैपिटल होती थी कौशाम्बी मगध में तो पूरी कहानी बताई मैंने वत्स भी उसी समय का साम्राज्य है उदय इसके राजा थे कौशाम्बी इनकी राजधानी थी कौशल कौशल भी मगध के समय का ही है इनके राजा थे प्रसन्नजीत और इनकी कैपिटल होती थी श्रावस्ती मगध था मगध के साथ वत्स था वत्स के राजा हुआ करते थे उदय कैपिटल कौशाम्बी अवंती अवंती में राजा थे प्रद्योत महासेन कैपिटल उज्जैनी अवंती का उसको नाम होता था अवंतिका उस समय नाम था इसका तो मगध के साथ वत्स कौशल अवंती वज्जी मल पंचाल ये सब मगध मैंने बताया मगध के एंटी थे अवंती सबसे बड़ी दुश्मनी थी अवंती और मगध के बीच जो मगध बिंबिसार की जो मैरिज हुई थी वो अवंती की उससे नहीं कौशल की जो कौशल नरेश की पुत्री थी उनसे हुई थी शुरू में जो मैंने कौशल वर्ड यूज किया था कौशल और वैशाली मतलब लिच्छवी और मद्र तीन हाँ तीन शादी हुई थी मद्र मद्र नरेश की पुत्री मतलब पंजाब वाला एरिया लिच्छवी वैशाली वाला एरिया और तीसरा कौशल नरेश प्रसंजीत की सिस्टर थी करेक्ट प्रसन्नजीत की बहन थी वो जो तीसरी मैरिज थी तो मगध सबसे पावरफुल वत्स के राजा थे उदय कैपिटल कौशाम्बी कौशल के राजा थे प्रसन्नजीत इनकी सिस्टर से शादी हुई थी मगध की बिम्बिसार की मगध राजा बिम्बिसार की शादी इनसे हुई थी प्रसंजीत की बहन से पॉइंट समझ आ रहा है प्रसन्नजीत की सिस्टर से हुई थी फिर लिच्छवी ट्राइब जो थे उनकी डॉटर से हुई थी और मद्र नरेश की पुत्री तीन शादियां तो प्रसंजीत कौशल के राजा उनकी बहन बिंबिसार की पत्नी थी अवंती वाले नहीं अवंती और मगध तो एंटी थे दोनों दुश्मन थे बहुत बाद में जाके इनसे दोस्ती हुई है रिलेशन इंप्रूव हुए हैं बहुत बाद में रिलेशन इंप्रूव हुए हैं तो मगध सबसे पावरफुल वत्स कंटेम्प्रेरी है उदय कौशाम्बी कौशल में प्रसंजी श्रावस्ती अवंती के प्रद्योत महासेन जिनकी राजधानी उज्जैनी अवंती का नाम से भी जानते हैं अवंती का नाम से भी जाना जाता है बाकी अंग छेदी कंबोध मत्स्य कौशल सौरा सेन असमग ये सब हुआ करते थे वज्जी महासभा वज्जी का जो आया वो एट ट्राइब को मिलकर बना हुआ ग्रुप था वज्जी जो हमने लिखा था वज्जी कोई एक ट्राइब का ग्रुप नहीं था वज्जी में एट ट्राइब मिलकर था वज्जी और वज्जी ट्राइब के चीफ थे चेतक इनकी कैपिटल थी वैशाली वैशाली यहां से रूल कर रहे थे ये तो वज्जी जो नाम आया वज्जी महासभा ये बोलते थे वज्जी भी पावरफुल थे क्योंकि आठ ट्राइब मिलकर था ये ग्रुप और चेतक इसके चीफ थे जो एट ट्राइब में से लिच्छवी ट्राइब के थे मैंने बताया ना वैशाली से रूल करते थे तो वैशाली में चेतक रूल करते थे चेतक किसके हेड थे चेतक लिच्छवी ट्राइब के हेड तो थे ही पर एट ट्राइब को मिलाकर एक ग्रुप वज्जी महासभा था उसके भी हेड थे अपनी लिच्छवी ट्राइब के हेड तो थे ही लिच्छवी ट्राइब के साथ साथ एट ट्राइब को मिलाकर वज्जी महासभा जो ग्रुप बना था उसके भी हेड थे चेतक इनकी बेटी से शादी हुई थी बिंबिसार की तो बिंबिसार की एक बेटी की शादी मतलब बिंबिसार चेतक की एक बेटी की शादी बिंबिसार से प्रसंजीत जो कौसम्बी वाले उनकी सिस्टर से शादी और तीसरे नरेश की पुत्री तो वज्जी महासभा आठ ट्राइब को मिलकर बना था उसके हेड चेतक थे चेतक लिच्छवी ट्राइब के हेड थे और पूरी वज्जी महासभा के भी हेड थे वैशाली से रूल करते थे चेतक की डॉटर वर्धमान महावीर की मदर थी त्रिशला अब बुद्धिस्ट लिटरे अगर ये जैनि, जैनिज्म लि, वाला लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है चेतक की डॉटर थी महावीर की मदर और एनसीआरटी कह रहा है कि उनकी सिस्टर थी जैनिज्म का जो लिटरेचर पढ़ोगे जैनिज्म जो कह रहा है जो उनकी अपनी बुक्स हैं उसमें वो कह रहे हैं कि चेतक की डॉटर थी महावीर की मदर त्रिशला नाम था महावीर की मदर का नाम था त्रिशला त्रिशला कहीं कहीं लिखा है चेतक की सिस्टर थी कहीं कहीं लिखा है डॉटर है तो कंफ्यूज मत होइएगा जैन लिटरेचर जैन धर्म जिसको मान रहा है मैं उसको बता रहा हूं जैन धर्म के अनुसार चेतक की डॉटर थी त्रिशला वर्धमान महावीर की मदर थी इसका मतलब बिंबिसार और वर्धमान महावीर की फैमिली रिलेटिव थे भाई चेतक की ही एक डॉटर बिंबिसार की वाइफ है और वर्धमान महावीर की मदर भी चेतक की वाइफ चेतक की डॉटर है इसका तो मतलब रॉयल फैमिली से कनेक्टेड थे राजा के बेटे तो ये भी थे तो वर्धमान महावीर वर्धमान महावीर और बिंबिसार ये दोनों रिलेटिव थे आपस में रिलेटिव थे ठीक है तो वर्धमान महावीर की मदर का नाम था त्रिशला आगे वगैरह जब बात होगी तब उसमें नाम आएगा डिटेल में आश्रम सिस्टम बाद का ही है जवाला उपनिषद से लिया गया कल बता चुका हूं मैं इसकी चर्चा कल हो चुकी है मगध एम्पायर मगध एम्पायर में कई सारी डायनेस्टीज मगध एम्पायर 600, 600 बीसी से लेकर 25 बीसी तक चला मगध एम्पायर 600 बीसी से लेकर 25 बीसी तक चला है मगध एम्पायर 600 बीसी से लेकर 25 बीसी तक चला कई डायनेस्टीज का समय रहा इसमें कई डायनेस्टीज का समय रहा सबसे पहली डायनेस्टी मैंने आपको बताई थी हरण्यक हरण्यक डायनेस्टी फाउंडर का नाम बिंबिसार मगध में पहला राजा बिम्बिसार बिम्बिसार जिनकी कैपिटल थी राजगीर राजगीर जिसको ग्रीवी राज के नाम से भी जानते हैं राजगीर का ही दूसरा नाम ग्रिवी राज तो हरण्यक डायनेस्टी मगध एम्पायर में सबसे पहली डायनेस्टी हरण्यक फाउंडर बिंबिसार मगध एम्प के पहले राजा राजगीर इनकी राजधानी हुआ करती थी जो कि सराउंडेड बाई फाइव हिल्स पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था सराउंडेड बाई फाइव हिल्स पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ मगध बहुत पावरफुल था क्योंकि कैपिटल बहुत सिक्योर थी कैपिटल बहुत सिक्योर थी और आयरन वगैरह के बारे में रिसोर्सेस काफी थे कैपिटल वॉज वेल सिक्योर्ड आयरन रिजर्व थे इनके पास आयरन रिजर्व थे पावरफुल आर्मी थी एलिफेंट एंड हॉर्सेस थे मगध क्यों पावरफुल था कई रीजन है ये ऐड कर लो चाहो कैपिटल सिक्योर थी ही ज्योग्राफिकल लोकेशन तो इंपॉर्टेंट थी उसके बाद आयरन के रिजर्व थे तो वेपन्स बन जाते थे पावरफुल आर्मी थी एलिफेंट और हॉर्सेस भी थे इनके पास बिंबी सार का बेटा अजाज शत्रु राजगीर से रूल करता था कुछ टाइम बाद उसने पाटली ग्राम नामक जगह पे अपनी कैपिटल बनाई और उसने वैशाली अब देखो अजाज शत्रु की खुद की मदर लिच्छवी जो चेतक की डॉटर जो थी वो अजाज शत्रु की मदर थी मैंने बताया ना बिंबिसार की तीन शादी हुई थी उसमें एक लिच्छवी ट्राइब की थी तो लिच्छवी ट्राइब से चेलम्मा नाम था उनका चेलम्मा का बेटा था ये अजाज शत्रु लिच्छवी ट्राइब का ही लिच्छवी ट्राइब की इसकी मदर थी और लिच्छवी ट्राइब वैशाली एरिया में रूल करते थे उनको भी नहीं छोड़ा इसने वैशाली को भी कब्जा कर लिया था मैं ये समझाना इतना क्रूर था कि अजाज शत्रु को, को कोई रिलेशन की वैल्यू नहीं थी अपने फादर को मार दिया था अपनी मदर जो मदर लिच्छवी ट्राइब से उसकी मदर थी वैशाली उन लोगों का एरिया हुआ करता था उनको भी हरा दिया था मिला लिया था अपने में वायलेंस वगैरह किया था तो वैशाली और कौशल और बिंबिसार की तीन वाइफ थी एक कौशल की थी बिंबी की तीन वाइफ थी एक कौशल की थी इसकी खुद की मदर वैशाली की थी लिच्वी ट्राइब की तो एक जो सौतेली मदर थी कौशल की उस एरिया को भी जीत लिया अपनी खुद की मदर वैशाली लिच्छवी ट्राइब की उस एरिया को भी जीत लिया मतलब कौन सा रूलर ऐसा रहा है जो किसी भी कॉस्ट पर कब्जा किया कोई रिलेशन की वैल्यू उसने नहीं की सबको उसने धोखा दिया अजाज शत्रु तो बिंबी सार का बेटा था अजाज शत्रु जो राजगीर से रूल शुरू किया कुछ टाइम में इसने पाटली ग्राम में एक जगह अपनी कैपिटल बना दी और अपने एम्पायर को और बढ़ा लिया वैशाली और कौशल को कब्जा करके वैशाली और कौशल को कब्जा करके तो वैशाली मेन ट्राइब कौन थी लिच्छवी जिस ट्राइब से खुद की मदर थी अपनी खुद की मदर वाला जो एरिया था जो इसके नाना जहां के थे उस साम्राज्य को भी कब्जा कर लिया और जो दूसरी वाइफ थी इसके फादर की कौशल की जो थी उस एरिया को भी हरा दिया उसको मिला लिया आगे जाके अजाशत्रु का बेटा उदयन गद्दी पे बैठा और उसने गुत्र को कैपिटल बनाया शत्रु का बेटा उदयन जब गद्दी पे बैठा है तब पाटलिपुत्र राजधानी बनी है पाटलिपुत्र ज्योग्राफिकली थोड़ा और अच्छा कि सेंटर में रखा जाए कैपिटल को कैपिटल को सेंटर में रखा जाए तो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी ज्यादा सिक्योर रहेगी इस सोच के साथ उसने पाटलीग्राम पाटलिपुत्र को बनाया पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाने का रीजन था कि सेंटर में रहे सारा कुछ वहां से मैनेज हो पाए तो क्वेश्चन क्या आया बिम्बिसार की कैपिटल मगध एम्पायर की पहली कैपिटल राजगीर शत्रु भी राजगीर से रूल करता था कुछ टाइम बाद उसने पाटली ग्राम कैपिटल बना दी थी आजाद शत्रु का बेटा उदयन उसने पाटली ग्राम की बजाय पाटलिपुत्र कैपिटल बनाया आगे जाकर और अजाज शत्रु किल्ड हिज फादर ये लिख लो अजाज शत्रु गद्दी पे कैसे बैठा है अपने पिता को मारकर अजाज शत्रु किल्ड हिज फादर अजाज शत्रु अपने पिता को मारकर गद्दी बैठा बिंबी सार के फिजिशियन का क्या नाम था जो अपने दोस्त के इलाज के लिए भेजा था बिंबी सार का फिजिशियन था लिखा नहीं है इसमें नोट कर लो उसका नाम था जीवक जैसे चरक वरक बड़े नामी नामी लोग मेडिसिन के जानकार रहे हैं वैसे ही बिंबिसार का फिजिशियन था जीवक नाम था उसका जीवक बिंबिसार का राजवैद था जीवक तो अवंती से अच्छे रिलेशन हो गए थे दोस्ती हो गई थी बिंबिसार की बाद में फिर दुश्मनी बदल दिया और अवंती से सबसे बड़ा चैलेंज था मगध को सबसे बड़ा खतरा था अवंती से अजाज शत्रु ने तो दीवारें बनवा दी थी बड़ी बड़ी किला बनवा दिया था कि अवंती से अटैक ना हो जाए अवंती काफी पावरफुल था क्योंकि उनके पास भी आयरन वगैरह बहुत था तो बिंबिसार के फिजिशियन का नाम था जीवक तो उदयन जो है उसने पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई है अजाशत्रु के बेटे ने फिर आया शिशुनाग शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी फाउंडर कौन है शिशुनाग शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर जो राजा था उसका क्या नाम है उसका नाम ही शिशुनाग है वो वैशाली से रूल किया करता था अजाशत्रु ने वैशाली कब्जा कर लिया था ना बताया मैंने अजाशत्र ने वैशाली कब्जा कर लिया था तो वैशाली से रूल करता था शिशुनाग जो राजा था और इसने अवंती को भी जीत लिया था शिशुनाग डायनेस्टी जो थी फाइनली अजाशत्रु ने जीत पाया था शिशुनाग जब आया है तब तो उसने अवंती जीता है मतलब एक लंबा समय लगा अवंती वाली प्रॉब्लम को दूर करने में अजाशत्रु अवंती को नहीं जीत पाया बल्कि अजाशत्रु को तो खतरा था अवंती से वो किला विला बनाना शुरू कर दिया दीवारें बनाना शुरू कर दिया था अजा शत्रु नहीं जीत पाया उदयन भी नहीं जीत पाया शशुनाग डायनेस्टी जब बाद में आई है तब अवंती कब्जा कर लिया करा इन्होंने बहुत बाद में जाके अवंती कब्जा हुआ है कौशल वैशाली ये सब तो कब्जा कर लिया था अजाजत्रु ने अवंती नहीं कर पाया था अवंती शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे कब्जा हुआ है तो फाउंडर शिशुनाग था वैशाली से रूल किया करते थे और अवंती इसने कब्जा कर लिया था शिशुनाग का लड़का था काल अशोक शिशुनाक का ही लड़का था काल अशोक तो इसके बारे में ज्यादा कोई कहानी नहीं एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बस वहां पर यह नाम आएगा बाकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है नंद डायनेस्टी के बारे में बताऊं मैं नंद डायनेस्टी के बारे में बताया मैंने सबसे पावरफुल नंद डायनेस्टी इसका फाउंडर है महापद्मनंद जो मैंने बताया इसने बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया था नंद डायनेस्टी का फाउंडर है महापद्मनंद महापद्मनंद नंद डायनेस्टी का फाउंडर है महापद्मनंद सबसे ज्यादा जो इसने मगध एम्पायर को और बढ़ाया नंद डायनेस्टी के किस राजा ने महापद्मनंद ने महापद्मनंद और महापद्मनंद शुद्ध डायनेस्टी से आता था शुद्र डायनेस्टी इसकी मदर जो थी वो शुद्र डायनेस्टी से थी तो शुद्र डायनेस्टी की शुरुआत है ये नंद डायनेस्टी इसके बाद मौर्य भी इसके बाद मौर्य तो नंद डायनेस्टी जो है वो शुद्र डायनेस्टी भी कही जाती है नंद डायनेस्टी जो है वो शुद्र डायनेस्टी भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन शुद्र राजा बैठा था गद्दी पर शुद्र डायनेस्टी की शुरुआत नंद डायनेस्टी शुद्र डायनेस्टी भी है महापद्मनंद इसके फाउंडर थे नंद डायनेस्टी शुद्र डायनेस्टी भी है शुद्र महिला से शादी कर ली थी राजा ने उनका लड़का था महापद्मनंद गद्दीप बैठा तो शुद्ध डायनेस्टी की शुरुआत है नंद डायनेस्टी महापद्मनंद फाउंडर थे इनके फादर थे महानंदिन शिशुनाग डायनेस्टी के थे महानंदिन महापद्मनंद के फादर का नाम था महानंदिन ये राजा थे शिशुनाग डायनेस्टी में इन्होंने एक शुद्ध महिला से विवाह किया था उनका लड़का था महापद्मनंद तो शुद्ध डायनेस्टी की शुरुआत नंद डायनेस्टी मानी जाती है शिशुनाग डायनेस्टी का राजा महानंदिन जिसने एक क्षुद्र महिला से शादी की उनका लड़का महापद्मनंद जिसने नंद डायनेस्टी की स्थापना की शिशुनाग डायनेस्टी यहां खत्म हुई नंद डायनेस्टी शुरू हुई इसने अपने शासन को और बढ़ा दिया और कब्जा किया और बढ़ाया फिर महापद्मनंद का लड़का है धनानंद ये था वो गड़बड़ व्यक्ति गड़बड़ क्या सिस्टम को ठीक चलाता था राजा ठीक था ये राजा गड़बड़ नहीं था पर वही एक गलती कर बैठा चाणक्य की जो बेस्ती की इसने ताकत में पागल हो गया धनानंद का शुरुआती समय अगर देखोगे तब इतना गड़बड़ नहीं था ठीक सिस्टम को चलाया करता था पर चाणक्य की जो इसने बेइज्जती कर दी वो इसने ज्यादा गड़बड़ काम कर दिया था ओवरऑल सारे बुरे काम नहीं किए तो धनानंद महापद्मनंद महानंदिन और एक शुद्र महिला उनके बेटे महापद्मनंद नंद डायनेस्टी की स्थापना की मगध एम्पायर को और एक्सपेंड किया धनानंद धनानंद जब राजा था धनानंद के टाइम पे ही नंद डायनेस्टी चल रही थी तभी हुआ था ग्रीक इनवेजन अलेक्जेंडर जब आया था और अलेक्जेंडर कहां का राजा था ग्रीक में भी कहां का राजा मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर जब भी आप नाम सुनोगे उसके लिए वर्ड यूज होता है मैसेडोनियन किंग तो 326 ट्वेंटी में अलेक्जेंडर का अटैक हुआ भारत पर 326 ट्वेंटी सिक्स धनानंद के टाइम पर अलेक्जेंडर का अटैक भारत पे कब हुआ है ईयर भी इंपॉर्टेंट है तो ग्रीक इन्वेजन अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था 326 बीसी में के टाइम पर पर क्योंकि ये बहुत पावरफुल रूलर थे यहां तक नहीं गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर उस समय हुआ करता था तक्षशिला अब ये पाकिस्तान में पड़ता है बता चुका हूं सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर उस समय तक्षशिला हुआ करता था नालंदा तो कम से कम इसके एट हंड्रेड बाद आया है नालंदा इंडिया में है तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया एरिया तक्षिला पाकिस्तान में चला गया है नालंदा इसके 800 हंड्रेड ईयर्स बाद बना है चाणक्य किस में पढ़ाते थे तक्षिला में पढ़ाते थे तो बीसी टाइम पर तक्षिला हुआ करता था नालंदा तो फिफ्थ सेंचुरी एडी में बना है बहुत बाद में बना है तो तक्षिला पाकिस्तान में पढ़ता है और यहाँ पढ़ाते थे विष्णुगुप्त जिनका नाम चाणक्य और हम कौटिल्य नाम से भी जानते हैं तक्षिला अब ये पाकिस्तान में चला गया इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर हुआ करता था यही पढ़ाते थे विष्णुगुप्त जिनका नाम चाणक्य और कौटिल्य भी है तक्षिला का ही राजा हुआ करता था अंभी जिसको हरा दिया था अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ने ने उसके बाद पोरस पोरस को हराया जिसका नाम पौरव था पोरस जो हम बोल रहे हैं ग्रीक में उस राजा को पोरस कहा गया है बस नाम उसका पौरव था, पौरव था तो तक्षिला का राजा अंभी जिसको अलेक्जेंडर ने हरा दिया था उसके बाद झेलम का एक युद्ध हुआ जिसको बैटल ऑफ हाइडसपस कहते हैं बैटल ऑफ झेलम झेलम को ही ग्रीक में हाइडसपस बोला जाता है ये स्पेलिंग है देखो झेलम को ही ग्रीक रिकॉर्ड में हाइतसप बोला गया तो बैटल ऑफ झेलम हुई अलेक्जेंडर ने एक राजा था पौरव ग्रीक में उसको पोरस कहा जाता है हम उसको पौरव बोलते हैं तो अलेक्जेंडर और पौरव एक राजा था उनकी लड़ाई हुई दिक्कत बड़ी हुई थी इसके सेना को जीतने में यहाँ हाथीवाथी इस्तेमाल हो गए थे हाथी जैसे एनिमल उन्होंने उन देखे नहीं थे कभी तो अलेक्जेंडर की सेना को बड़ी परेशानी हुई थी यहां पर तो अलेक्जेंडर और पौरव एक राजा था उनका युद्ध हुआ था जिसको ग्रीक में पोरस कहते हैं और बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ हाइडसप के नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर जीता तो था पर इसकी सेना को बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी रिवर तक जब ये पहुंचे इसके बाद जब रिवर तक आगे बढ़े सेना ने कर दिया रिवोल्ट आर्मी रिवोल्टेड जब ये सेना ब्यास रिवर तक पहुंची आर्मी रिवोल्टेड और इसके बाद अलेक्जेंडर रिटर्न हो गया वापस चला गया सैल्यूस निकेटर को यहां बैठाकर जितना एरिया नॉर्दर्न इंडिया में वो जीता सैल्यूस निकेटर को बैठा के चला गया वापस मैसेडोनिया तो झेलम का जो बैटल है अलेक्जेंडर पोरस के बीच बैटल ऑफ हाइडस्पस कहते हैं उसके बाद जब ये ब्यास रिवर तक सेना पहुंची आर्मी रिवोल्टेड एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न बैक आफ्टर दैट ही रिटर्न बैक आफ्टर दैट ही रिटर्न बैक बाई अपॉइंटिंग सेल्यूसस निकेटर इन नॉर्दर्न इंडिया ब्यास रिवर के पास आने पर आर्मी का विद्रोह हो गया जिसके बाद अलेक्जेंडर वापस चला गया यहां पे अपॉइंट कर गया किसको सेल्यूसस निकेटर स्पेलिंग देख लो पढ़ने में आ रही है मैं दोबारा लिख देता हूं यहां बैठा गया था सेल्यूसस निकेटर सेल्यूसस निकेटर ने ही अपना राजदूत मैगस्थिनि भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको भी हरा दिया था सेल्यूसस निकेटर को भी हरा दिया है निकेटर को भी चंद्रगुप्त ने हरा दिया था रिटर्न हो गया तो बस ये लिख दो अब अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें आफ्टर दैट ही रिटर्न तो सेल्यूसस निकेटर सेल्यूसस निकेटर को बैठा के गया था गद्दी पर यहां पर सेल्यूसस निकेटर को बैठा कर यहां पर गया था ठीक है और सेलिशस निकेटर को भी बाद में हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने अब फिर कॉन्स्पेरेसी थ्योरी ले आओगे सर भागा नहीं था वापस नहीं गया था हरा दिया गया था पोरस ने उसको हरा दिया था इतिहासकारों ने गलत लिख दिया है मैं कॉन्स्पिरसी में नहीं जा रहा हूं बार बार बोल रहा हूं हिस्ट्री अभी तक जिन बातों को कह रही है उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं अपना इसमें इमोशन नहीं भिड़ा रहा हूं कि पोरस ने अलेक्जेंडर को हरा दिया था रिकॉर्ड्स में गलत लिखा है उन बातों में नहीं जा रहा हूं जो तुम एग्जाम के हिसाब से याद रखना है उसको बता रहा हूं मैं ठीक है तो के के चले थे। निकेटर ने भेजा था मैगस्थिनीश को।, मैगस्थिनीश को भेजा था के में। ये पहला जो आया था दरबार में इसी ने लिखी थी इंडिका बुक तो पहला विदेशी राजदूत मैगस्थिनि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था किसने भेजा था सेल्यूसस निकेटर ने भेजा था इसी थनीस जो पहला राजदूत है विदेशी इसी ने इंडिका नामक बुक लिखी थी जो पहला इंडिया के बारे में रिटर्न अकाउंट मिलता है लिखित मिलता है इंडिया के बारे में पहला रिटर्न अकाउंट इंडिया के बारे में फर्स्ट लिखित अकाउंट इंडिका बुक में मिलता है किसने लिखी थी मैगस्थीनीस ने बहुत आता है क्वेश्चन कोई एग्जाम नहीं होगा जहां ये ना पूछा गया हो कौन था मैगस्थीनीस विदेशी राजदूत किसने भेजा सेल्यूसस निकेटर ने तो चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थिनि को भेजा था सेल्यूस निकेटर ने जिसने इंडिका नामक एक बुक लिखी है जो इंडिया के बारे में पहला लिखित अकाउंट मिलता है इसके बाद चंद्रगुप्त ने सेल्युस निकेटर को भी हरा दिया था और नॉर्दर्न इंडिया को भी अपने कब्जे में कर लिया था चंद्रगुप्त ने सेल्युस निकेटर को भी हरा दिया था और नॉर्दर्न इंडिया को भी अपने कब्जे में ले लिया था ठीक है तो नंद के बाद आए थे मौर्य डायनेस्टी मैंने बताया 321 BC से 185 BC तक चला है मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर धनानंद को हरा दिया था चाणक्य की मदद से मौर्य डायनेस्टी 321 BC में बनी है जब चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा दिया था चाणक्य की हेल्प से कहानी पूरी बता चुका हूं अब थ्योरी में सब लिखा हुआ है तो फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य डायनेस्टी के चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया नंद डायनेस्टी खत्म हुई मौर्य डायनेस्टी शुरू हो गई और इन्हीं के दरबार में पहला विदेशी राजदूत मैगस्थिनस आया था सैल्यूस निकेटर ने भेजा था उसने इंडिका नामक बुक लिखी जो इंडिया के बारे में पहला लिखित अकाउंट है आगे जाकर चंद्रगुप्त ने सैल्यूस निकेटर को भी हरा दिया और नॉर्दर्न इंडिया कब्जा कर लिया ग्रीक रिकॉर्ड्स में चंद्रगुप्त को किस नाम से बोला गया है सेंड्रो चंद्रगुप्त का क्या नाम मिलता है ग्रीक रिकॉर्ड्स में इस नाम से बोला गया है चंद्रगुप्त को ग्रीक रिकॉर्ड में किस नाम से जाना गया है सेंड्रो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया भद्रबाहु एक जैन थे थे उनके साथ चले गए साउथ में और चंद्रगिरी हिल्स में शरीर त्यागा फाइनली चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपना लिए थे जैनिज्म साउथ इंडिया में प्रमोट करने में इन्होंने सहयोग भी किया भद्रबाहु एक मॉंग थे उनके साथ चले गए थे तो साउथ इंडिया में जैनिज्म को प्रमोट करने में इन्होंने समय दिया जैन मोंग भद्रबाहू के साथ चले गए थे और चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में इनकी डेथ हुई चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में इनकी डेथ हुई जहां तक कहानी सुनाई पूरा बता दिया ये लिखा है He spent his last days, उन्होंने अपना अंतिम का समय चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में बिताया चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में बीता चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में भी था। यहीं पर एक फेस्टिवल होता है श्रवण बेलगोल एक जगह है कर्नाटक में स्पेलिंग में फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ श्रवण बेलगोल ये जगह है कर्नाटक में यहां पे जैन धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं महामस्त काभिषेक का अभिषेक लॉर्ड बाहुबली की पूजा होती है वहां पर जैन धर्म का त्योहार है ये श्रवण बेलगोल कर्नाटक में एक जगह है या एक फेस्टिवल होता है महामस्तकाभिषेक काभिषेक जहां लॉर्ड बाहुबली की पूजा होती है जैन धर्म का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है <स्थाग़ा> तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाए थे कहा चले गए थे चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटक में उनकी डेथ हुई लास्ट में और श्रवण बेलगोल कर्नाटक में एक जगह है जहां जैनियों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल महामस्तकाभिषेक जिसमें लॉर्ड बाहुबली की पूजा होती है और चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पे बैठे उनके बेटे बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद बैठे बिंदुसार क्लियर है तो अंतिम समय चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटक में बीता था महामस्तक अभिषेक वो फेस्टिवल है लॉर्ड बाहुबली की पूजा होती है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैन धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बने चाणक्य की लिखी हुई किताब अर्थशास्त्र बुक ऑन पॉलिटी अर्थशास्त्र का इंग्लिश मतलब होता है इकोनॉमी पर ये पॉलिटी पे लिखी बुक है स्टेट ग्राफ्ट के बारे में बताती है राजा अपने शासन को कैसे चलाए इफेक्टिव शासन कैसे चलेगा क्या चाहिए उसको सेवन पिलर्स बताए हैं चाणक्य ने चाणक्य के द्वारा लिखी गई बुक अर्थशास्त्र पॉलिटी की बुक है मैं बार बार कह रहा हूं अर्थशास्त्र का मतलब होता है इंग्लिश में इकॉनॉमी अर्थशास्त्र का इंग्लिश मतलब है इकॉनॉमी पर यह इकोनॉमी की बुक नहीं है अर्थशास्त्र इकोनॉमी की बुक नहीं है पॉलिटी की बुक है और उस किताब में इन्होंने जिक्र किया है सप्तांग थ्योरी उस किताब में इन्होंने बताई है सप्तांग थ्योरी सेवन पिलर्स राजा को सही सिस्टम चलाने के लिए क्या उसके सेवन पिलर्स उसको चाहिए चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र पॉलिटी की बुक है स्टेट क्राफ्ट की बात करती है इकोनॉमी की बात नहीं सप्तांग थ्योरी का जिक्र है इसकी अर्थशास्त्र वाली बुक में सप्तांग थ्योरी में ये राजा को क्या बताते हैं क्या सेवन पिलर्स हैं सही स्टेट क्राफ्ट के लिए जनपद होना चाहिए जनपद के साथ साथ कैपेबल, कैपेबल काबिल मिनिस्टर होने चाहिए मिनिस्टर को अमात्य बोला गया है अमात्य अमात्य शब्द आप देखोगे पुराने नाटक वाटक बहुत यूज होता है भारत एक खोज सीरियल आता था पहले नेशनल पर इंडियन हिस्ट्री उसमें काफी बताया हुआ है भारत एक खोज नाटक आता था नेशनल पर बहुत पहले बचपनों का भी देखा था हमने यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा होगा हिस्ट्री को नाटक के माध्यम से बताया हुआ है यही सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी अमात्य शब्द बार बार यूज कर रहे हैं तो, तो अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर तो सप्तांग थ्योरी में कौन से सेवन पिलर हैं जनपद अमात्य अमात्य का मतलब मिनिस्टर दुर्ग दुर्ग मतलब फोर्टिफिकेशन करना किलाबंदी करना जिससे जनपद को प्रोटेक्ट कर सके फिर चाहिए कोष कोष का मतलब ट्रेजरी पैसा चाहिए मित्र होने चाहिए मित्र मैरिज के द्वारा अलायंस करो चाहे दोस्ती करो मित्र की भी जरूरत है सबको दुश्मन बना के नहीं चल सकते उसके बाद दंड दंड मतलब आर्मी है यहाँ पनिश करना नहीं दंड शब्द का मतलब यहाँ पर आर्मी से है उसके अलावा स्वामी स्वामी होना चाहिए रूलर जो है वो भी कैपेबल होना चाहिए सप्तांग थ्योरी कहती है स्टेट को चलाने के लिए सेवन जो चीजें इंपॉर्टेंट है जनपद अमात्य दुर्ग कोष मित्र दंड और स्वामी इतनी कैपेबिलिटी हमें होनी चाहिए ये सारी चीजें इफेक्टिव होनी चाहिए हमारे पास सप्तांग थ्योरी क्वेश्चन कैसे आएगा अर्थशास्त्र किस पर बेस्ड बुक है पॉलिटी पर है किसने लिखी चाणक्य ने लिखी विष्णुगुप्त ने लिखी, क्या बात करते हैं उस बुक में वो सप्तांग थ्योरी दिया उन्होंने सप्तांग थ्योरी क्या है स्टेट क्राफ्ट के बारे में है क्या सेवन इंपॉर्टेंट पिलर वो बोलते हैं ये सेवन पिलर हैं चार नाम दे देगा इनमें से कौन नहीं है बताओ इनमें से कौन नहीं है ये बताओ तो आपको सारे सातों पता होने चाहिए ठीक है थीक। चलो सारी बात खत्म हो गई यहां तक एक आध एडिशनल पॉइंट इसमें नोट कर लो जो कॉपी में नहीं दिया वो लिख लो जरा महापद्मनंद एक पॉइंट इसमें ऐड कर लो महापदनंद ऑल्सो नोन एस इसका एक और नाम मिलता है इसको एकारत भी कहते थे एकारत एकारत का मतलब है सोल सोवरन सोवरन का मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट सुप्रीम किसी किसी का इस पर कंट्रोल नहीं है सोल सोवरन महापदनंद को ही एकारत नाम से ही बोला जाता था एकारत शब्द का मतलब है सोल सोवरन बहुत रिस्क था बहुत इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम बहुत इफेक्टिव था इसका महापद्मनंद डेवलप्ड इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम नहीं तो इतनी बड़ी आर्मी चलाना इतनी बड़ी आर्मी चलाना इतना एरिया कब्जा करना आसान नहीं होता रिस्क था इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम था इसका तभी इतनी बड़ी सेना वगैरह मेंटेन कर पाता था इतनी बड़ी सेना वगैरह मेंटेन तभी कर पाता था टैक्सेशन सिस्टम इसका बहुत इफेक्टिव था कलिंग और कौशल ये सब भी जीत लिया था इसने कौन कौशल तो कई बार जीता गया है कलिंग लिख लो कौशल का जिक्र तो पीछे भी किया मैंने कलिंग भी जीत लिया था इसने कलिंग कहां पर है उड़ीसा में कलिंग क्षेत्र कहाँ है उड़ीसा कौशल तो अजा शत्रु ने भी जीता है बार बार उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं कई बार जीते गए हैं अलग अलग समय पे कलिंग जो है वो इसने महापद ने जीता है मतलब कितना आगे तक एक्सपेंड कर लिया था शासन को लिख लिया और अजात शत्रु की मदर का क्या नाम था जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उसकी मदर जिस ट्राइब से थी जिस एरिया से थी उस एरिया को भी जीत लिया अजाज शत्रु की मदर थी उनका नाम था चेलम लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम वैशाली लिच्छवी ट्राइब की थी वैशाली एरिया से थी आजाशत्रु की मदर चेलम लिच्छवी प्रिंसेस वैशाली एरिया उस एरिया को भी इसने जीत लिया अजाशत्रु ने इसलिए मेंशन किया है मैंने उस एरिया को भी जीत लिया था इसलिए मेंशन किया ये लिख लिया ना शत्रु किल्ड हिज फादर ये लिखा ठीक है चलो यहीं तो रखते हैं अब कल आपकी क्लास नहीं है कल अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी मेरी और मैं कई दिन से आपको बार बार कह रहा हूं अब यहां पर बिम्बिसार का समय आया बुद्धिज्म जैनिज्म का हल्का सा मैंने एक आइडिया बोला है बुद्धिज्म के दो लेक्चर और जैनिज्म का एक लेक्चर उतना डिटेल में क्लास में जरूरत नहीं है करने की पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है नोट्स भी प्रॉपर बने हुए हैं बुद्धिज्म जैनिज्म के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है अब यहाँ पे मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बुद्धिज्म के दो लेक्चर आपके सब सबके फोल्डर में पड़े हुए हैं देख लो कई लोग देख चुके हैं उनको मालूम है कि दोबारा इसमें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की नोट्स में भी सब लिखा हुआ है लेक्चर में भी सब कुछ बताया है लेक्चर में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिले तो उनको नोट्स में ऐड करना बुद्धिज्म के दो लेक्चर हैं अब कल क्लास नहीं है तो कल आप इसको कंप्लीट कर लो ताकि साथ साथ चलो अगर मैंने वो लेक्चर नहीं कराए होते तो अब मैं बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाता यहां पर तो दो लेक्चर बुद्धिज्म के एक लेक्चर जैनिज्म का कल क्लास नहीं है अब अगली क्लास जब मैं परसों शुरू करूंगा उससे पहले ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए उतना डिटेल में अगर मैं पढ़ाना भी शुरू करूंगा उतना डिटेल में हो भी नहीं पाएगा उतना टाइम देने की जरूरत भी नहीं है बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने उससे ज्यादा जरूरत नहीं है और नोट्स में भी सब लिखा है अगर लेक्चर को देखते हुए कुछ नया पॉइंट मिले दुक्का कोई पॉइंट हो सकता है ज्यादा नहीं होगा तो उसको नोट्स में ऐड करना तो ये आपका होमवर्क है मैं क्लास में अब इसको नहीं कवर करूंगा दोबारा से ये होमवर्क है कल आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे परसों हम बिंदुसार वाला पॉइंट शुरू करेंगे तो जहां जहां टाइम बच सकता है वो बचाएंगे भी उससे ज्यादा बुद्धिज्म जैनिज्म आपको सिविल सर्विसेज तक के लिए भी जरूरत नहीं है मैं ये भी क्लियर कर दू सिविल सर्विसेज भी कोई देने वाला हो बुद्धिज्म जैनिज्म उससे ज्यादा कहीं नहीं जरूरत है एक बार लेक्चर देख लो पहले ठीक है कुछ भी उसमें करना नहीं है सिर्फ लेक्चर देख लो अपनी कॉपी मैच कर लो कहीं एक आध पॉइंट मिले उसको जोड़ना यहां पर हम उसको कवर नहीं करेंगे सारे फोल्डर में डाल दिया है ठीक है तो अब हम सीधे आगे बढ़ेंगे बिंदु सार उसके बाद अशोक वगैरह की बात करेंगे परसों ठीक है चलो क्लास थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू गुड नाइट गुड नाइट ऑल ऑफ यू